Who is 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 the real kingmaker in Pakistan right now? Do you think is it 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 Zardari, or is it Nawaz Sharif? There is no prince for king to make. आप इंटरनेशनल मीडिया उठाएं पाकिस्तान का इस टाइम एक्चुअली में मजाक पूरी दुनिया में उड़ा क्योंकि वाद मुल्क है जिसके मुर्दे का वोट डलता है उसकी काउंटिंग होती है फैसला पाँच साल बाद आता है ये तीन फैमिलीज़ या दो तीन फैमिलीज़ के अलावा इनकी औलाद के अलावा आने वाली औलाद के अलावा कोई ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं तो इट एक मजाक है बेहसी, बेशर्मी और बेहतरी का नाम पाकिस्तान की सियासत है आप भी पार्ट तो नहीं है उस जोड़ तोड़ में जो जो कुछ चल रही है इधर दौड़ छोड़ का पार्ट तो आपको बनना पड़ता है जोड़ते वगैरह तो पूरी दुनिया में कोई चीज मिलती नहीं है बट इस्लाम में ज्यादा होती है जोड़ तोड़ या पंजाब में होती है कराची में होती है या पिंडी में होती है इस्लाम आबाद में आपका यह है ना नहीं होती है पिंडी में अप्रूवल होती है ओके। सिस्टम लर्निंग भी सिस्टम नहीं दी है लॉ लॉ एक खास जो था उससे मैं झगड़ पड़ा था गुस्से hmm. के ऊपर uh, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के अंदर ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसका एक मेजर रोल है इमरान खान साहब की इद्दत वाली चीज एक घटिया और थर्ड क्लास फैसला आया मैं आपके आगे अपना निकाहनामा रखता हूँ और मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में कौन उस निकाहनामे को बर्बाद करता है और मेरी चार दीवारी के अंदर कोई आएगा तो फिर मैं भी चाक चाक कर दूंगा व्हेन आई से दिस आई मीन इट स्टार्ट टॉक अबाउट एक्स यू नो आई हैव लॉट ऑफ एक्सेस इन माय लाइफ एज कम्पेयर टू माई वाइफ यू नो पीपल डोंट टॉक अबाउट इट्स कि मैं एक पोलिटिकल फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ आउट ऑफ ऑड्स मुझे खान साहब ने ट्रेनिंग दी पहले के खान साहब थे इज एन अमेजिंग ह्यूमर और गायर टॉक अबाउट

खास मेहमान मौजूद हैं पी टी आई गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे उनकी बहुत सी पेशन गोईयाँ हम लोगों ने देखी कि काफी सच साबित हुई और आने वाला जो टाइम आ रहा है स्पेशली द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथस उस हवाले से भी उनकी बहुत प्रिसाइज प्रोडिक्शन हैं विच ही इज़ एक्सट्रीमली शोर कि वो भी सही होंगे टूडे वी हैव फैसल फैसल भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शो आप बहुत टाइम निकाल के आए कराची से आप इस्लामाबाद आए हुए हैं क्या आप भी पार्ट तो नहीं है उस जोड़ तोड़ में जो <laughs> जो कुछ चल रही है इधर तो आपका बहुत शुक्रिया बड़ा इंटरेस्टिंग आप शो कर रहे हैं अपना दौड़ छोड़ का पार्ट तो आपको बनना पड़ता है तोड़ जोड़ के बगैर तो पूरी दुनिया में कोई चीज़ चलती नहीं है ना बट इस्लामाबाद में ज़्यादा होती है जोड़ तोड़ या पंजाब में होती है कराची में होती है या पिंडी में होती है देखिए कराची के व्यापारी बड़े मशहूर कहलाते हैं लेकिन होती जोड़ छोड़ इस्लामाबाद में है क्या आपका okay. तो आप तो आप ये है ना पिंडी में, है? है? आ, पिंडी में नहीं होती है पिंडी में अप्रूवल होती है ओके ठीक है बट अगेन वट्स हैपनिंग लाइक इट्स आप इंटरनेशनल मीडिया उठाएँ पाकिस्तान का इस टाइम एक्चुअली में मजाक पूरी दुनिया में उड़ा कि यार ये हो क्या रहा है अब यहाँ तक कि आप देखें कि जो कैंडिडेट जो जीत चुका है वो आके कह रहा है भाई मैं नहीं जीता ये सात वाला जीता है और मैं इस्तीफे दे रहा हूँ जे के टी का इस्तीफ़ा आ गया जमात इस्लामी के हेड का आ गया और हमें बड़े बड़े लीडर्स जो हैं कोई पोजिशन छोड़ रहा है कोई क्या को कर रहा है एंड इट्स क्वाइट अनप्रेजिडेंटेड उस तरह वर यू पर्सनली एक्सपेक्टिंग इट कि ये होगा देखिए जी मेरी एक्सपेक्टेशंस तो मोर लेस बाय एंड लार्ज यही थी ओके okay. और मैं पिछले एक साल से ये सब चीज़ें बिफोर टाइम बता भी रहा था Uh, मैंने कहा था आज़ाद जीतेंगे मेजॉरिटी uh, आज़ाद की होगी वो नज़र आ गया uh, मैंने कहा था कि नून लीग पोटेंशली uh, वो काम नहीं कर सकेगी जो वो एक्सपेक्ट कर रही है uh, वो पाकिस्तान बदल गया है और मैं इस uh, टर्मोल को बड़ा पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ आई पर्सनली फील कि ये अल्लाह ताला ने एक बाएँ uh, इलाज पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर दी है क्योंकि ये जो भी पार्टियाँ इसमें इकतदार में आई हैं ये इनका आखिरी इकतदार है इन टर्म्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स अच्छा व्यू मीन बास ये मैंने जब मैं रिसर्च भी थोड़ा कर रहा था आप ये सेट किए अगर आपने छः महीने के लिए बनानी है गवर्नमेंट सिर्फ तो इसको दे दें अगर साल के लिए बनानी है इसको दे दें वट डू यू मीन बाई दैट देखिए एक तो ये आप नवाज का नवाज शरीफ साहब का पर्सनल बैगेज उठा नहीं सकते ये मुल्क को तमिल नहीं हो सकता पाकिस्तान के बैगेज उठा सके आ, तो अगर आपने छः महीने के लिए चलाना है तो आप उनको प्राइम मिनिस्टर बना दें Uh, वो अपनी uh, ज़बरदस्ती से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे मैंने कहा था धागे से ही पतली गवर्नमेंट होगी धागे से भी शायद पतली कोई चीज़ होती है तो वो हो गई भाई बाल से ही पतली हो गई है uh, दूसरी चीज़ मैंने कहा था कोलेशन अगर आप कर देंगे पी टू पीपल्स uh, पार्टी प्लस अदाई साहब तो आप डेढ़ दो साल पाँच दो साल सवा दो साल एट मैक्स जीती तौर पर वो अल्लाह की तरफ डिवाइन हेल्प आ गई तो इतना लंबा जाएगा वन हम आई इट बट द गुड पार्ट इसके एक पाकिस्तान के लिए जो आगे आने वाले इतवा हैं जो जल्द हैं आ, एक और इंतबाब हो रहे हैं ना दो ढाई साल का आपका और तो कोई रास्ता नहीं है तो इंतखात ही होंगे आपके पास पाँच दो, दो साल बाद हो जाएंगे सवा दो साल बाद हो जाएंगे मे बी बिफोर दैट तो उस इंतबात में ये सारे वॉश आउट हो जाएंगे ये सारे जो प्लेयर्स हैं जिनकी शक्लें देख देख के आप बेजार हैं तंग हैं आप पैदा हुए थे तभी ये थे जवान थे बच्चे थे ये भी थे इनके बच्चे भी तो अभी ना सारों के देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान कॉरपोरेशन तो नहीं है किसी फैमिली कॉरपोरेशन थी आज से पहले अब वो मित टूट गई और उस मित में एज अ थर्ड पार्टी पीटीआई आई थी अन अनफॉर्चुनेटली जो पी ने किया मैं तो उनको रोकता रहा आखिर तक इट वाज अनकॉल्ड फॉर उसकी ज़रूरत ही हमें नहीं थी लेकिन ठीक है यू you नो know, हो गया और इस हद तक चले गए कि अब रिवर्सल का चांस नहीं है तो अब ये नहीं हो सकता कि आप एक घर में पैदा हो गए वहाँ आप ना हैं के हैं है, आपको चांस दे दिया जाए पब्लिक भी अब उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है पौने छः करोड़ लोग हैं Uh, जो यंगस्टर्स हैं जो 18 साल से 30 साल की उम्र में अगले डेढ़ साल में और बहुत सारे करोड़ों में आ जाएंगे ये बच्चे तो इनको आप ज़्यादा uh, बोलीव नहीं कर सकते कि जो आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है वो खान साहब इज इज रियली अ कोर ऑफ ऑल ऑफ दिस लाइक टॉक टू मी लिटिल बिट अबाउट व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल ट्रेनिंग क्या होता था एक आम बंदे को नहीं पता कि आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम बट how how does it it looks like coincidence like you know like fiery like zone what do you mean by political training like do you, do you understand like maybe it's a very naive question but actually i wanted to know what is that moment you are sitting with imran khan and he said something and you are like okay this is the guy who i wanted to work with i want him to टीच मी एज एन एग्जाम्पल अभी आ कहाँ से है सो आई स्टार्ट माई बिजनेस विदाउट नोइंग एनी थिंग मुझे बिजनेस स्पेलिंग भी नहीं आते थे आई डोट नो अबाउट रेवीन्यूज आई डोंट अबाउट दिस 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 आई स्टार्ट इट नाउ आई फील लाइक आई एम अ गुड सेल्स मैन मैं कहीं भी जाता हूँ मैं बेच देता हूँ टी सी एम को कहीं ना कहीं अब आई है मिस दैट यू नो लाइक बिजनेस कोचिंग ये वो सारा ना मेरी फैमिली में भी बिल्कुल कोई नहीं था सो आई वॉन्टेड टू नो ये जो आपका पोलिटिकल ट्रेनिंग है टॉक टू मे लिटल पिट अबाउट

Uh, Humour or good talk about everything in this world. Everything means everything. Starting from stardom to women to everything, you know? So, as a youngster, you know, it you can interest, interest. me. Mm -hmm. And then, then you had your own sessions. You were sitting at home. You were in You your 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 restaurant. to Italian restaurants. I've, I've travelled with him overseas also before uh, coming into government. We went to go shopping together. सो इज अ ब्रिलियंट मैन यू नो अगर आप मुझे कहेंगे मेरा मोशन नहीं था तो मेरा मोशन था हुँ. ठीक है एंड ही टॉट मी अनफॉर्चुनेटली जो लोग उनके गिर्द आ गए उन्होंने उनको बंदूक भी दे दी उस मैगजीन भी भर दिया और उनसे गोली भी चलवा दी दीट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट आपने कभी नाम नहीं बताया उन लोगों के अभी uh, तो सारे वैसे चले भी गए हैं। देखिए जो चले गए तो कोई एक नाम नहीं? आपको लगता है कि जो बहुत ज्यादा जिन्होंने

Uh, मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है शहीद हुआ है इस खेल के अंदर बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं मेरे दोस्त नहीं थे अर्शद शरीफ की बात कर रहा तो अर्शद शरीफ का केस केस खुल जाएगा और उस केस को आई डोंट नो फॉर रीजन इसको खोला नहीं जा रहा तो इसमें आपको, केस तो चल रहा था ना मतलब वो स्पीड से नहीं चल रहा उसमें आपको पता चलेगा कि एक ईमानदार तगड़े आदमी को आप कुर्बान कर देते हैं सियासत के लिए उसमें ताकतवर लोग कैसे इन्वॉल्व होते हैं उसको कल्टिवेट कैसे पॉलिटिकल लोग कल्टीवेट करते हैं उस आदमी को दोस्ती में उसको ले जाके के पीढ़ पे उसको व्यवहार करते हैं और उसके नतज से अपने आप को कैसे बेनिफिट करते हैं मेरे पास बहुत कुछ है जिंदगी में ठीक है वो बताएंगे कभी अगर देखिए वैसे तो मुझे कोई बुला ही नहीं रहा क्योंकि बुलाया अदालत ने वैसे नहीं, नहीं, नहीं मुझे नहीं बुलाया okay. मुझे अभी तक तो मैं इससे पहले तो मैं समझता था मुझे कोई बुलाएगा भी नहीं फाइज ईसा साहब के आने से मुझे लगा कि शायद वो बुला लेंगे लेकिन वो भी तब बुलाए ना जब मुझे वो एक टाइम लाइन देखें तीस दिन में हमने ऊपर नीचे करके ये फैसला करना है ठीक है तो तो मैं सब कुछ सीरियसनेस देखिए यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये कि बाप दादा आपके गुजर जाएंगे मर जाएंगे चार रसले आगे चले जाएंगे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा सो आई डोंट वॉन्ट टू कीप एनीथिंग पेंडिंग सो जो भी मैं टास्क लेता हूँ उसको फिर कंप्लीट करना मेरा एक मेरी देशर का हिस्सा है तो अगर वो केस खुल जाए तो पाकिस्तान की सिमत बदल जाएगी ओके ठीक है और क्योंकि वो शहीद का खून है ईमानदार आदमी का खून है एंड सिम बदल जाएगी, हैव सो मच मीन दैट लाइक इससे पहले भी बहुत बड़े-बड़े हुए हैं, सारा कुछ हुआ है और क्यों नहीं सामने आ रहा है बहुत सियासतदान बहुत सारे लोग हो जाएंगे बहुत सारे ताकतवर लोगएंगे और वो ताकतवर लोगों का एक्सपोज होना और फांसी के फंदे पे चढ़ना बहुत जरूरी है समेत उन लोगों के जिसने इस पूरे मर्डर को प्लान किया एग्जीक्यूट करवाया और उसके नाइज अपने लिए हासिल कर ताकतवर तो ताकतवर नॉन पोलिटिकल फिगर तक तक मैं रहूंगा जिसको नाम लेने की बार डरने देखिए अब तो नहीं रहा उस वक्त आज तो हर कोई मरे हुए हाथी के ऊपर या पीपल कि द डेड डॉग बट किस ताकत तो और लात तो मैं वो समझता हूँ मारने वाला आदमी होता है जो कुर्सी पर बैठ के करे उसको सोटेपा कभी करे लेकिन हल होगा आपको अभी तक तो uh, मतलब हक से लेके कर भुट्टो से लेके कभी कुछ हमने देखा तो नहीं है आई डोंट थिंक हमारी ज़िंदगी में डों मेरी मेरी कुछ कन्विक्शन है आर्मी आर्मी चीफ मुझे लगता है कि बहुत कुछ पाकिस्तान में अच्छा हो जाएगा जब मैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ देखता हूँ हालांकि उनका बहुत टाइम कम है छः सात महीने उनके टेलीअर में बट आई फील के उधर मुझे लाइट इन द टनल नज़र आती है मीडिया आप जैसे लोगों का एक बड़ा रोल है पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के अंदर uh, वैसे तो आई विद योर शो बिकॉज द रीज़न के आपने मुझे टबैको इन टेक की इजाज़त दे दी है आई होप के मुझे आप पहले दे देते मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ लेकिन uh, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप इकानी को टर्न अराउंड नहीं कर सकते सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमारी ट्रेनिंग जैसी हुई तो uh, जैसे मुझे उनकी एक बात ज़िंदगी याद आएगी खान साहब की उसने कहा कि वो काम करो ज़िंदगी में मैं उनसे अकेला बैठा हुआ था सुबह नाश्ते के टेबल पर नहीं सेट के वो काम करो जो कोई नहीं करता हूँ uh, और सुबह अखबार पढ़ के देखा करो कि वो कौन सा काम है जो कोई और नहीं कर रहा है आई पिक दैट लाइन लाइक दिस एंड दैट्स माई बेसिक एजुकेशन जो मुझे पी एच डी की डिग्री है जो भी मुझे थोड़ी बहुत ए बी सीमेंटेट मेरी दुश्मनी और मेरी लड़ाई प्रिंसिपली uh, ना अपने लेवल पर होती है ना अपने नीचे होती है क्योंकि जब आपके नीचे लड़ाई होगी तो आप नीचे गिर जाएंगे अपने पोटेस्टल से चाहे आप इधर ही क्यों ना हो uh, आपको नीचे गिरना पड़ेगा सो so, अगर मेरी फाइट बारहवें फ्लोर पर है तो मैं ग्राउंड फ्लोर पर नहीं आऊंगा hmm. तो मुझे अपना कद कार्ड भी नीचे लाना पड़ेगा आपने बराबर रहूँगा तो मैं बारह फ्लोर पर ही लड़ाई लड़ता रहूँगा लेकिन जब बारह फ्लोर के ऊपर आप पचासवें फ्लोर की लड़ाई लड़ते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी आपको सीखना मिलता है कभी आप डिफीटेड होते हैं कभी आप बैकफुट पर जाते हैं फ्रंट फुट पर जाते हैं कभी पैसे की कमी, कमी होती है कभी फायर की कमी होती है सो यू लर्न अ लॉट वेन यू हैव बिगर एनिमीज सो मेरी पॉलिटिक्स के अंदर इफ़ यू सी अ लॉट ऑफ फायर सो आई पिक अप सब्जेक्ट्स आई पिकअप पर्सनैलिटीज़ जो अन ठीक है एंड मैंने अपनी मिनिस्ट्री भी इस तरह चलाई मेरी मिनिस्ट्री के अंदर भी लोग उठाए गए फ़ॉर देन रीजन्स और उनको मैंने आधे आधे घंटे में वापस बरामद भी करवाया ठीक है बिकॉज देनी हूँ के मैं मैं फ़ोन पे कहता था तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूँगा ठीक है मेरे पास खान साहब का एक्सेस था uh, मुझे खान साहब ने नॉट रियलाइजिंग किसी ने उनको काम कहा तो मैं वो टालता टूलता रहा और बड़े ऊपर लेवल से वो काम था तो फाइनली उन्हें एक दिन मुझे आके उन्होंने खुद समय कहा कि तुम्हें मैंने कहा तुम गिर मैंने कहा मुझे लिख के दे दे सही साइड हो रही मीन तीस मुझे लिख के दे दे कहने लगे क्यों मैंने कहा क्योंकि कल जब मैं पकड़ा जाऊंगा इस काम में तो मैं कहूँगा ये प्राइम मिनिस्टर ने लिख के दिया था सर इतना बड़ा गलत काम है मैंने कहा जी सर का नहीं करूँ सो so आपको खड़ा होना पड़ता है लीडर mm. के आगे आपको खड़ा होना पड़ता है वेव के अगेंस्ट यू की जस्ट कॉन्टर्न से कि जी सर आप जो कह रहे हैं वो ठीक है चाहे प्राइम मिनिस्टर है या आपका बाप है या आपकी माँ है या फौजी है या जज है एवरी थिंग यू ऑल आर अूमन्स हर चीज़ जो आप बोल रहे कुर्सी पर बैठ कर वो ठीक नहीं हो सकती लर्न टू टेक अ स्टैंड सो लाइक आई साइड कि जी आप मेरे निका के ऊपर करें मैं बी भी आपके फॉरन पर बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ चार मेरी चारदीवारी आएंगे तो मैं चाक चाक करूँगा किस तरह करूँगा ये वक्त बताएगा बट आप करें बिकॉज एक थशोल है हर चीज़ का एक लेवल है मोरालिटी का सोसाइटी का औलाद का आप जब आ, मैं जो आप कह रहे हैं न, आपको आप बड़े अपसेट होते हैं एजुटेश सिस्टम से आपके कलम में ताकत होनी चाहिए आप जो कॉमेंट्री करते हैं उससे आप नस्लें तबाह कर देते हैं किसी की बेटी को ताना मिलता है किसी की बीवी को ताना मिलता है किसी की बहन को ताना मिलता है किसी के रिश्ते हो रखते हैं पोलराइज सोसाइटी है रिश्ते टूट जाते हैं उससे कोशिश करेंगे वो काम ना करें आपके कलम में इतनी ताकत हो होके आपको कुछ बोलना ही ना पड़े और यही कमाल है और अगर आप इंसाफ मांगने के लिए सिस्टम को ठीक करने की बात करें तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन पाकिस्तान के आप वेव के अगेंस्ट खड़े हों बट मैं आपको बताऊंगा आप अच्छे तैराक तभी बनते सुमर जब आप वेव के अंदर खड़े हो जाते हैं और और खड़े होते हुए अगर आप डूब जाएं तो वो बड़ी इज्जत की मौत है बनस्बत के आप जलील होकर और जी हजूरी करते हुए मरे सो वेन जब मैं खान साहब के साथ मेरी लास्ट मीटिंग हुई और मैंने उनको बता दिया कि मैं अब आप, आपके साथ नहीं चल सकता ही थोड़ा थोड़ा इमोशनल बीच में एक दफ़ा मिनिस्ट्री में मैंने रिज़ाइन कर दिया था मुझे उन्होंने बहुत बहुत स्पेस दी थी, थी काम करने की मतलब आई बस वेरी अग्रेसिव बड़ी बदतमीज़ बोल्ड एंड बदतमीज़ था मैं बोल्ड एंड ब्यूटीफुल आपने सुनागा बोल्ड एंड बदतमीज़ नहीं सुना होगा ये जो लेगिस लेके मिनिस्टर शनिस्टर खड़े होते थे पीर पागर वरिया शाही जो जिनकी थी जो जगदी पुश्ती आ रहे थे हम सब एक लाइन में थे सो so, आप उड़ा के भेंग देते थे आपको पता होता था ये शेरवानी पहला चाहता है सो आई आई नेवर हैड दिस एम्बिशन कि मैं खान साहब अगर आगे वज़र अजम बन जाऊँ ठीक तो हम हम तो उसको समझा रहे थे बजा रहे भी थे और बता भी रहे थे क्योंकि मैं तो फिर आई बस सम पीपल से आई राइट हैंड मैन एंड कुछ समझते हैं कि मैं चार चार जो आखिरी कोर कमेटी के चार के जो मेम्बर्स का है टीम था तो उसमें मैं भी था सो आई कुड सेंस कि वो क्या बात कर रहे हैं उनके पीछे ये चार क्या बात करें किससे बात करें क्या बात करें क्या, क्या प्रोग्राम बन रहा है क्या नहीं हो रहा क्या नहीं हो रहा सो रह। so, वो देखते हुए मैंने तो अपनी जो लॉयल्टी थी वो दिखाई उनको और मैं शायद किसी स्टेज के ऊपर बींग uh, नथिंग uh, मैं एक ऐसा ब्रिज बन सकता था जो सब चीज़ों को थाम देता बट uh, जब आप आई मीन माई सेल्फ के अंदर चले जाएं आपको लोग आके मौलवी आके कुछ मौलवी बड़े रिकगनाइज नामी ग्रामी मौलवी वो आपको आके ये कहेंगे आपको नबी पा सल्हलम का पैगाम आ गया है तो मैंने उनको कहा प्राइवेट साहब को मैंने कहा सर ये तो मरवाने की हमारी तैयारी होगी mm. तो दुक एट मी इंस्पायर गेव मी लॉर्ड ऑफ स्पेस वो स्पेस मुझे कोई भी नहीं दे सकता uh, तो मैंने कहा कि मैं आपका हिस्सा नहीं होगा uh, क्योंकि वो से एक दिन पहले मुझसे हर चीज़ मान गए थे और फिर खास और जन भूत आ गए उन्होंने कहा कि नहीं डू थिंक तर... उनको अभी जेल में खान साहब को या प्रॉबली उससे पहले भी ये जो आप जिन भूतों की बात करते हैं डिड ही रियलाइज कौन कौन लोग थे और उनके साथ क्या हुआ या अभी तक आपको लगता है कि के? वो टाइम आ जाएगा उस टाइम पे आई शुड आई विल बी मैन राइट टाइम कम्स इन आप गए क्यों नहीं मिलने उन्हें देखिए अभी राइट टाइम नहीं है Uh, जब राइट टाइम आओगा अल्लाह ने सुत दी तो वॉट एवर आई कैन डू बेटर आई विल डू कोई कम्युनिकेशन हुई आपकी इन डायरेक्टली मुझे जेल जाने से पहले उन्होंने uh, बुलवाया था लेकिन रात के अंधेरे में मुझे कहा था आके मिले मैंने कहा था मैं रात के अंधेरे में आके नहीं मिलूँगा मैं पब्लिक आके मिलूंगा एंड uh, क्योंकि मैं हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम उनसे मीटिंग अकेले की थी तो मैंने कहा था इसी वन ऑन वन बिकॉज मैं चमचों के बीच में तो कभी ना बात की थी ना कर सकता था सो इफ़ यू आस्म मी ऑनेसटली ही गेम इ लॉर्ड स्पेस आई विश के वो शायद मेरी उसके उनके लेवल का स्टैचर या लीडरशिप uh, क्वालिटी तो नहीं है और मुझे किसी ने वोट नहीं दिया था मैं कोई लीडर भी नहीं हूँ वोट तो उनके नाम का ही मिला था सबको अपनी औकाज याद रखनी चाहिए बट हैविंग सेड दैट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो बातें उसमें मैंने उनको समझाया था वो रुक जाते मजीद रुक जाता है तो इतनी तबाही नहीं होती और 9 मई के वाक़े के ऊपर तो मैं बड़ा मेरा क्लियर स्टांस था सो ही थॉट दैट मैं इमोशनल हो गया यानी मैं ये नहीं होने दूंगा वो नहीं फ्लान ने मांगा ये पटरम तो एंड इट देट एंड मैंने उनसे कहा था कि आपके ऊपर आपके दोस्त आपके भरोसेमंद लोग गोली चलाएंगे मैं यहाँ तक उनको बता के आया था तो जब गोली चली तो लोगों ने कहा कि एक्सीडेंटल गोली थी ड्रामा हुआ या गोली की आगे आंख नहीं होती कि वो सर पे आगे लगेगी सीने पे आगे लगेगी टांग पे आगे लगेगी बाकीियों ने तो ठीक है उसको एक फिल्मी सीन बना के अपने लिए चीप पॉपुलरिटी स्केल जरूर किया या स्टंट किया आ, लेकिन जेनवन इट तो बस वो जो फायरिंग थी वो जेन फायरिंग वो लेकिन आपको लगता है कि वो पी के अंदर से लोगों ने करवाया पी टी आई के अंदर से तो मैं नहीं कह सकता लेकिन इमरान खान साहब के बहुत ही भरोसेमंद जिनके ऊपर वो अंधा भरोसा करते यहां तक तबाही को ले आए उन्होंने कराई थी एंड आई एम नॉट दैट आई आई मीन इट एंड एम 99.9% sure to what I am saying. So, After that also, Do you have like an actual information? Yeah, I is know it your so. hunch? No, no, I know. I don't talk about anything above 51% in the market. My simple thing what I believe in, what I know. When uh, we talk about Mr. Darshan Sharif, sahab ki baat karte toh, there are a lot of evidences on my phone, which I can show that I have substance to talk what I am talking. Hmm. So, लाइक वाइज अगर मुझे आप कहें तो ये मेरिट पे तीस दिन में पूरा केस माइंड अप हो सकता है अगर वे लो तो यही काम होगा और कोई काम नहीं होगा इसी तरीके से आ, तो जैसे उन्होंने मुझे सिखाया कि तुम तो वो करो जो कोई ना कर रहा हो आई लॉन्ट सो मैंने वो मेरा प्रिंसिपल बन गया मेरी पॉलिटिक्स का एंड एक्जैक्टली वाट आई एम डूइंग टू टिल डेट जो गलत है जिनको कोई टेक ऑन नहीं करता जिनसे सब दोस्ती करना चाहते हैं मैं उनसे लड़ाई लड़ता हूँ अब मेरी झाती लड़ाई नहीं है ना मेरी उनसे ज़्यादा लड़ाई है मेरी तो बेसिस है आ, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के लिए बिकॉज आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू लिव इन दिस कंट्री आई डोंट डेम टू लीव दिस कंट्री कि मुझे भी इस मुल्क ने सब कुछ दिया है जो भी रिकगनेशन है दो पैसे हैं सब कुछ इस मुल्क ने दिया तो है हु इज द रियल किंग मेकर इन पाकिस्तान राइट नाउ स्पेशली इन कॉन्टेक्स टू दिस इलेक्शन डू यू थिंक इज इट आसिमिरदारी और इज इट नवाज शरीफ देखिए सबसे पहले तो ये देर इज नो प्रिंस फॉर किंग टू मेक ठीक है प्रिंसेज हैं वैसे काफ़ी वो तो देखिए सर वो तो आपकी मर्जी है कि आप मुझे आ, नौकर समझें या ठेकेदार समझें आप ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी को महारानी समझे समझें या किसी को नौकरानी समझे समझें तो, तो आपकी मर्जी है बट मैं ये कहता हूँ कि ये एक फरसूदा निज़ाम की, की के जनाजे को हम दफनाने जा रहे हैं so i see very promising, progressive, productive, growing pakistan in the next coming months and weeks and years. is it your hope, or is it your, i think what? it's my, it's my norm, it's my, it's becoming to be, become my belief, okay, or johua is election may? i'm very certain uh, to what i'm saying. back to the lagos of the predictions. Uh, हो रही है आपने काफ़ी काफ़ी जगहों पे ये बात की और जो आई बिच लॉट ऑफ टाइम्स अगेन खान साहब जैसे कहते थे यार हम एक आजाद कौम है आज़ाद कौम है हम लोगों को लाम नहीं है ये वो सारा नॉट इन दैट कॉन्टेक्स बट डू यू थिंक ये जो डेमोक्रेसी है पूरी की पूरी हमने जमातों के अंदर भी कभी नहीं देखी डेमोक्रेसी देर इज़ नो डेमोक्रेसी यू राइट और वो वही है कि डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप हाँ बट वट इज़ द सोल्यूशन दैन लाइक इज़ इट इज़ इट टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आई नो के फौज भी आके टेक ओवर नहीं कर सकती उनसे भी कुछ नहीं होगा ये लोग भी नहीं कर सकते डू यू थिंक एज अ नेशन नाओ डू वी नीड टू सेट टूगेदर एंड फाइंड अ सोल्यूशन कलेक्टिवली जैसे जर्गह आप मतलब आप इस ऑफिस में आए हैं मैं आपसे पूछूंगा ना कि यार मुझे आप बताएँ कि आप अपनी कंपनी में ये चीज़ कैसे करते हैं आई कै नॉट जस्ट टेक that एंड यू नो apply इधर या मैं आपको अगर ये बिजनेस मॉडल बताऊंगा तो वो आप अपने उसमें नहीं कर सकते देखें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि मैं आपके सेटअप में आया तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिसके पास जाऊँ चाहे वो पानी पिलाने वाला क्यों ना हो उससे आपको सीख लें so, सो यहाँ साढ़े तीन हज़ार आदमी का जो काम हो रहा था वो पंद्रह बीस लोग कर रहे हैं सो दैट स्मार्टनेस दिस सम विच आई शुड लर्न ठीक है ना कि मैं कंपनी खोल के बैठ जाऊँ साढ़े तीन हज़ार आदमी डाल दूँ और उसकी आउटपुट वही हो जो आपका आप दे रहे हैं सो दिस इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंट स्मार्ट एंटरप्रेन्योरशिप इसी तरीके से अगर आप मुझसे कहें कि अगर आप मुझसे एज अ ले मैन पूछेंगे तो मैं कहूँगा जी हाँ मुझे मेरे पास अभी ज़िंदगी बिकता रहा है तो मैं पहले पाँच हज़ार आदमी कहता था पंद्रह हज़ार आदमी लटका दो हर शोबे से आदमी को लटकाओ ताकि डर पैदा हो hmm. uh, दुबई में आप जाते हैं लंडन में आप जाते हैं आप कैसे डिसपेंट होते हैं डर है यार ठीक है यहाँ डर ही नहीं है ना यहाँ तो हर हर इंसान बिकने को तैयार गेटिंग टू नो दैट यू कैन प्ले विद सिस्टम विद इन कैन प्ले विद द लॉ विद लॉ दट दफ़ यू देखे ना मेरी पॉलिटिक्स के अंदर मैंने भी ये सीखा है बट मेरा टारगेट डिफरेंट है आईम नॉट डूंग इट फॉर hmm. माई सेल्फ इंटरेस्ट इंड मेकिंग मनी सो अल्लाह इज बिन वेरी वेरी काइंडगार के बहुत कर मैं कि मेरे ओपोनेंट बदतरीन दुश्मन भी मुझ पर करप्शन का चार्ज hmm. नहीं लगाते ठीक है, फाइन अगर मैं विद इन सिस्टम उठी जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी के साथ आई रियली लाइक रहमान साहब आई रिय लाइक हेम मेरी दोस्ती भी उनसे बट उनका जो प्रिंसिपल स्टैंड है वो एक कैरेक्टर के साथ एक मोरालिटी, हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर पॉलिटिक्स का है। वो है ही नहीं इस मुल्क के अंदर भाई mm. तो आपने अपनी आपने अपनी दे दी वो एक घंटे की खबर बन गई बहुत लोगों ने ताली बजा दी जो सिविल सोसाइटी पढ़े लिखे लोगों ने कहा बड़ा जबरदस्त काम किया दी एंड दैट्स इट आपको उस कुर्सी पे बैठ के आगे रास्ते बनाने का नाम पॉलिटिक्स है जो मैंने बहुत देर में सीखा आप उस सिस्टम के अंदर आ जाए फिर उस सिस्टम के अंदर आप बेहतरी करना शुरू करके सिस्टम में बाहर सिस्टम की बेहतरीन बट वो लोग तो बहुत अच्छे ऐसे सिस्टम में थे एंड एंड आई टॉक टू सर राजक साहब लिटरली मेरे ख्याल से अ वीक बैक ही वाज हेयर एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड आई सेड कि आपको पता है कि एवरी इज फिक्सड आपको पता है कौन जीतेगा क्या होगा और आप लोग ये सत्तर सालों से ये कुछ कर रहे हैं लाइक like, या तो आप उस सिस्टम से निकल आए ना कि लाइक कम अप विद द न्यू मॉडल लाइक आई डोंट नो लाइक बट आप सेम चीज़ करते हैं फिर आप गिरते हैं सेम करते हैं तो मतलब ये तो बिल्कुल ही किस्म की चीज़ है ना हाँ के? तो मैं तो उनकी पॉलिटिक्स से बिलीव नहीं करता हाई मॉरल ग्राउंड मुल्क के अंदर है ही नहीं मॉरलिटी है ही नहीं कैरेक्टर है ही नहीं प्रिंसिपल है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं। की अगर आप आप एक बेहतर पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी हैं प्रोग्रेसिव हैं आप सिस्टम के अंदर तो आए ना फिर सिस्टम में तो बेहतरी करेंगे मैं इंटरव्यू दिए बगैर आपके स्टूडियो के बारे में क्या जानूंगा घर mm. घर गाड़ी के बाहर देख के चला जाऊंगा कहूंगा स्टूडियो में नहीं बैठना mm. मैं सिस्टम में आऊंगा सीखूंगा ये रैक है ये माइक है आप इस तरह बैठते हैं ये लाइटिंग है ये कैरामैन है ये फलाना है फलाना यू लर्न यू कैन ओनली अमेंट चेंज वेन यूर इन द सिस्टम ठीक है, फलान है। so you learn, you आप बाहर बैठ कर अच्छा अब अगर आप इसका काउंटर uh, डिबेट करेंगे सो आई एम ऑल्सो सिटिंग आउट बट आई एम वेरी मच इन द सिस्टम सो दैट्स माई व्यू मीन आई आई थिंक आई वु इफ आई मोट आई एम स्टिल इन द वेरी मच इन दिस्टम ठीक है तो आप सिस्टम के अंदर आके अपनी राय दे सकते हैं रद्दबदल कर सकते हैं आपके तवस्त से चैनल के तबस्तु से अपनी बात पहुंचा सकते हैं ठीक है पीपल आर नॉट रियलाइजिंग अंडरस्टैंडिंग दैट पौने छ करोड़ बच्चा अठारह से तीस साल तक है ये हमारी स्ट्रेंथ है पोटेंशल है सैंतीस हजार रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज से बच्चे पास आउट हो रहे हैं एवरी ईयर उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही उनके पास बैगेज नहीं है ना उनका बीवी है ना बच्चे हैं वो फ्री हैं वो लावा जब फटेगा तो किसी से कंट्रोल में नहीं आएगा बिफोर आप उस पॉइंट पे उस लिमिट लाइन पे पहुँचे फाइंड आउट अ वे ठीक है देर आर टन्स एंड टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान रियल स्टेट के अंदर है माइन एंड मिनरल के अंदर है रिकोटे के अंदर है फार्मिंग के अंदर है Uh, आपकी पहला मुल्क है जिसकी मोटरसाइकिलें नहीं होती ट्रैकर कंपनीज हैं यू नो यू हैव आइडियाज आप लोग हैं आईटी के अंदर ढाई सौ बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है इंडिया अंग्रेजी से कॉल सेंटर्स आईटी हमारे वहां उर्दू को फर्स्ट लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया है तब तो फिर तो 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 आप चले ही बेचेंगे ना ठीक है आपने आप इंटरनेशनल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गए ठीक है अब आप कहीं अंग्रेजी बनने वाला काफिर है और उर्दू पढ़ने वाला मुसलमान है तो भाई आप अगर मौलवी हैं या आप पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं तो हुआ यू टू गिव मी सर्टिफिकेट्स मैं आपके सर्टिफिकेट पर ना मुसलमान बनाऊ ना का फिर बनना अपना घर में रखो सर्टिफिकेट ठीक है टिल द टाइम यू डोंट कम आउट विद एन एटीट्यूड ऑफ सेंग नो टू रॉन्ग यू कॉन्ट स्टैंड ठीक है आपको अपनी पॉलिटिक्स बारातर करनी है अपने सेल्फ इंटरेस्ट से सो एनी मनी इज़ नो मनी बट द टाइम वैन यू हैव टू डिसाइड कि ये पैसा या ये इज़्ज़त या ये मरतबा ये खाना घर गाड़ियाँ बंगले जो भी है दाल रोटी भी है वहां को मिल गई वो उधर रोक दें इसको आप सियासी तौर पर यूटिलाइज करें अगेन आई आम नॉट एम परफेक्ट आई नो मोर बट आई एम डिफरेंट एंड आई एम गेरी डिफरेंट एंड यही डिफरेंस से मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ अल्लाह ताला आगे पहुंचा देगा। मैंने आपसे वो किंग मेकर वाली बात की हाउ डू यू सी पॉलिटिक्स ऑफ़ साहब लाइक बिकॉज़ राइट नाउ ट्विटर के ऊपर जो यू नो मीम्स वो चल रहे थे जैसे ये इलेक्शन का आया और ज़्यादा कन्फ्यूजन थी फॉर टू डेज एंड लाइक जस्ट लोक वट जरदारी उन्होंने आपको बेटा भी कहा आप कह रहे हैं कि मियाँ साहब की तो सियासत दफन हो जानी है डू यू थिंक जरदारी साहब की भी सियासत दफन होगी देखिए जरदारी साहब की डिसंेंसी है कि उन्होंने मुझे बेटा पाया एंड पब्लिकली तो लोगों को एक दो मीटिंग्स का मेरी पता है मीट हिम क्वाइट ऑफन ठीक है जी एंड ही इज़ अ वेरी रिसेप्टिव मैन एंड ही इज़ ओपन फॉर अ ऑफ ओपिनियन ही इज़ ओपन फॉर सजेशन दूसरा कि वो इस पॉलिटिकल गेम के तो किंग uh, है बेताज बादशाह हैं नवाज शरीफ ठीक है, okay. है? नंबर नंबर uh, uh, उनके पास uh, जो सबसे चीज अच्छी है वो ये कहते हैं तुम ये भी रख लो आप बताओ क्या है ठीक है और फिर ये दे के वो सब कुछ अपने पास ले लेते हैं ब्यूटी सो मैं जब उनसे मिला तो कई दफा मिलने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि उन्होंने मुझे एक बात मैंने कहा सर मैं बड़ा क्लियर हूं मैं या दोस्त दोस्तों या दुश्मन हूँ इधर इट्स ब्लैक और वाइट उन्होंने कहा मैं तुम्हारी ये दुश्मनी वाला एलिमेंट खत्म कर दूंगा अगेन इट वॉज समथिंग विच आई लर्न फ्रॉम फाइट किस चीज़ की दुश्मनी इट्स नॉट दुश्मनी इट्स डिसअग्रीमेंट दैट्स द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज इट इज नॉट अ फाइट इट्स नॉट अ वॉर इट्स अ डिसअग्रीमेंट मैं उसको अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर कॉनोटेशन के अंदर वॉर की तरफ ले गया आई मेड इट पर्सनल इट्स नॉट पर्सनल ठीक है इट्स पब्लिक इट इज डिसग्रीमेंट सो आई लर्न ठीक है दूसरी चीज ये कि पीपल्स पार्टी तो टॉप बेनिफिशरी अभी इस टर्म ता, ता, पॉलिटिक्स की एंड मैंने तो बिफोर टाइम मच बिफोर टाइम ये जो आप सर्कस देख रहे हैं ब्रेकिंग uh, न्यूज देख रहे हैं तो मैंने तो पहले प्रिडिक्ट कर दी थी और उन्होंने फिर एक बड़ा स्मार्ट फैसला किया है कि वो ट्रेजरी बेंच पे बैठेंगे गवर्नमेंट के साथ होंगे उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन ले, ले लेंगे hmm. ये मैं आपको भी बता देता हूँ आज से चार महीने पहले कहा था कुड भी सैनिट कुट भी स्पीकरशिप तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन वो ले, ले लेंगे पोलिटिकल मूव तो एंड नोइंग द फैक्ट कि अब मिनिस्ट्री का सारा चार्ज एक तो क्राउड बहुत कम होगा उसके अंदर भीड़ भाड़ बहुत होगी रिस्पॉन्सबिलिटी अब नून ली की हो जाएगी कम्प्लीटली तो जो रन कर रहा है वही चार्ज भी ले और उसी से क्वेश्चन भी हो वो ये ना कह कहेगा आप भी थे और आप भी थे और आपको भी कॉमनेट गया तो मेरा कसूर है और नंबर दो ये है कि जो ओवरसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारी रिलायंस है उस पर भी क्वेश्चनिंग अब आपसे ही होगी परफॉर्मेंस भी आपसे होगी सो पोलिटिकली अगर लैंडस्केप आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स हुई है आ, इस इलेक्शन के अंदर जहाँ नॉट ओवरवेलमिंग बट मोर देन एक्सपेक्टेशन अगर टर्न आउट हुआ है आ, तो उसने पाकिस्तान को एक उस जगह पे ऑटोमेटिकली ला के खड़ा कर दिया है जिससे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस पाकिस्तान के लिए ठीक है आइंदा दो सालों में मैं बहुत पॉजिटिविटी देख रहा हूँ और उसकी कंटिन्यूशन देख रहा हूँ ठीक है तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान के लिए ये जितना आ, बुरा कहा जा रहा है उतना ही बेहतर होगी बहुत कम लोग हैं जो जुडिशल सिस्टम के ऊपर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बात करते हैं जनरली तो हम लोग आई थिंक इशूज़ जो पाकिस्तान में उस पर तो कोई भी सियासत नहीं हो रही है हर बंदा एक दूसरे पे है हम लोग क्यों देखते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा एक एक आई नॉट यूज़ द वर्ड बाइसनेस बट एक एक एंगर है टुवर्ड्स द जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान लाइक लाइक हाउ डू यू लाइक वट्स द इशू देर देखिए मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊँगा कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज a पॉलिटिशियन uh, हम मरने के तैयार नहीं हम नारा लगाते हैं हम मर जाएंगे मुल्क के लिए हमें से कोई मरने को तैयार नहीं नंबर वन जो मर रहे हैं जो शहादतें दे रहे हैं हम उसका तमस्कर उड़ाते हैं वी वे हैव lot वीकनेस विद इन दी आर्मी और विद इन institute, बट वो वीकनेस एक बहुत छोटी परसेंटेज है फाइव परसेंट सेवन परसेंट एट परसेंट एक वाद इदारा है जिसमें आप आई वुड से बाई फार सेवेंटी फाइव एटी परसेंट इधर प्रॉब्लम्स नहीं है नाइन्टी परसेंट नहीं है एक शहादत के मूड से लोग आते हैं फौज के अंदर फिर वो ब्रिगेडियर बन जाते हैं जनरल बन जाते हैं वो एक सेपरेट क्वेश्चन है बट मेजोरिटी ऑफ दैम तो टॉप पोजिशन में नहीं पहुँचते सेशन के अंदर मैं कहता हूँ कि हम समेत तीन दिन की पिकनिक के लिए चल जाए हमें पता चल जाएगा और जो बच्चे यतीम हो जाते हैं जिनकी माएँ अपने बच्चे खो देती हैं जिनकी बीवियाँ बेवा हो जाती है जवानी के अंदर वो उनकी आप एज देखें पच्चीस साल बाईस साल अट्ठाईस साल तीस साल किसी का बच्चा यूनिफॉर्म पकड़ के कब का कब इसके साथ पेलो के साथ सो रहा है सो so, बहुत इजी है कि उनको आप ब्लेम कर दें ठीक है कहीं कि किसी परसेंटेज पे वो होंगे एम्बिशस लोग भी आए हैं उसमें से ऐसा नहीं है कि वहाँ सारे फरिश्ते थे बट एंड लार्ज लाज ऐसे इंस्टीट्यूट जो कुर्बानियाँ दे रहा है बॉर्डर पर दे रहा है और ये सब कुछ कर रहा है कोर्ट्स का मेरे इशू के अंदर है कि देखिए जब मैं कोर्ट्स के अंदर देखता हूँ लोगों को एक आम गरीब आदमी को चेनों से बांधा हुआ जिस जानवर को बांधा हुआ है ये कौन से मुल्क के अंदर है कि आप चेन से घसीट के लाए इंसान को ठीक है किसी जेट ब्लैक टेररिस्ट को मैंने अभी तक फांसी की सजा होते हुए नहीं देखा ठीक है ए पी एसान एक क्या बच्चों को क्या हुआ है सारे फांसी पर चढ़ाए गए जो, जो आर्मी ने ट्रायल की एक आदमी था जो कन्वेंशनल कोर्ट्स में गया आज तक वो जिंदा है ठीक है सात सौ अस्सी लोग अद्वियात की ना होने की वजह से मर गए उनका कोई वाली वारिस नहीं भुट्टो को आपने मार दिया डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आप कहते हैं आज हम उस हिस्ट्री से कुछ सीख लें आपने जरदारी साहब को चौदह साल जेल दे दी कुछ साबित नहीं कर सके आपने ओवर द काउंटर पैसे ना लेने के लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी पैदा कर दी नवाज़ शरीफ को ज़बरदस्ती उतार दिया कुर्सी से उसकी उसकी बीवी की तस्फीन करने की सुजाव नहीं मिली ये कौन सा कानून बोलता है आपने इमरान ख़ान को बारह बजे पाबंद करके उसकी गवर्नमेंट गिराई ठीक है आपने प्रेजेंट मैन से आपने संडे को कोर्ट्स खोल दी

इन शहजादों ने आ, आ, मजबूर किया कि मैं डेथ बेड से, से उठ के आई एम ओनली सन कि मैं अपेयर हूँ और मुझे मुझ में पैनल टीम पोस्ट की अब ना अब मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो जो पर्सनल लेवल पर है और ये वो आदमी आपसे बात कर रहा है जिसको अल्लाह ताला ने तीन टाइम खाना दिया पूरी दुनिया में छत दी है गाड़ी चलाने को दी है यू नो अल्लाह इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली काइंड एंड

कोड़े मारने चाहिए ठीक है उसमें लिखा हुआ है मिसाल दे रहा हूँ ग्रैंड फादर्स नेम आपने दादा का नाम डाले तो कहेंगे नाना का नाम नहीं डाला नाना का डाल दिया तो कहेंगे दादा का नहीं डाला दादा का नाना का डाले तो कहा एक का पूछा था कन्फ्यूजिंग है हुँ. अच्छा दूसरी चीज ये कि वो एफिडेविट बनाने का रीजन ये था कि जी आपने किसी मुल्क का ओथ लिया हुआ है आई बस अ बॉन्ड सिटीजन मुझे तो पैदा होते हुए नहीं पता था मैं गाँव में पैदा होगा देहात में पैदा हुआ शहर में होगा या पाकिस्तान में होंगे या अमेरिका में होगा सारे बस बॉन्द है उसके बाद मुझे कहा जी आपने छोड़ दी मैंने कहा जी मैंने छोड़ दी और उसका अनाउंसिएशन लेटर नहीं आपके पास वो भी कई महीनों के बाद मैंने इलेक्शन जीता और उसके बाद की बात कर रहा हूँ और वो उसका भी बैकग्राउंड को पता है कि एक खास जो था उससे मैं झगड़ पड़ा था उसी के ऊपर वो वर्दी देड़ देड़ फैस के फैस की बात कर रहे हैं ठीक है सो आई टुक दैट मैन वी वॉज एक्टिंग ही एंड वॉज द मोस्ट पावरफुल मैन देन तो मैंने तो उसको टेक ऑन किया है जब कुर्सी पे बैठा हुआ था बट उसमें भी तो लेकिन बात कहते हैं कि आपने लिखा की मैंने तो नहीं की थी सुनाई क्वेश्चन so है मैंने ठीक आप है आपने छोड़ दी छोड़ दी तो एप्लीकेबल ही नहीं क्योंकि मैंने वो तो नहीं लिया था नंबर थ्री ये ग्रीन कार्ड होल्डर मुल्क इलेक्शन लड़ सकता है सिटीजन नहीं लड़ सकता पासपोर्ट होल्डर तो किसी को अकल दे इंसान और ग्रीन कार्ड होल्डर में फर्क है एक प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है अमेरिका का और एक प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो सकता बाकी दोनों के हकूक बराबर है अच्छा चले ठीक है जी आपने फिर भी कहा कि सर्टिफिकेट लिखा नहीं था ठीक है इट ऑल वेरीफाइड आर ओ सो अगर आर ओ ने मुझे दे दी, अगर आपने मुझे स्टूडियो में बैठने की इजाजत दी तो आई एम नॉट फॉल्टी ठीक है अगर किसी जज ने कोई फैसला दे दिया तो मेरा तो डिसीजन नहीं वो तो जज का डिसीजन चले जी आपने कर दिया आई गॉट डिस्कालीफाइड फॉर अ लॉट ऑफ रीजन और उसके बाद फिर मुझे डिस्कवालीफाई एज अ सैनिटर फॉर लाइफ कर दिया गया तो मेरे से पीछे प्रेसिडेंट थे रहमान मलिक साहब हैं मुराद अली शाह साहब हैं खकानाबाद साहब की बहन सादिया हैं सेकेंड तो टर्म के अंदर तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं है। उसके बाद भी और मुझे डिस्कवालीफाई किया गया सेकेंड टाइम फॉर लाइफ विदाउट अ ट्रायल ठीक है अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मेरे अंदर ये चीज़ है एंड आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड मैंने और जगह भी बिकाए कि मैं लीगल अकाउंटेबिलिटी इन सब की करूँगा चाहे मुझे 20 साल की उम्र इंतजार करना पड़ जाए आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट और जितनी दोस्ती और लड़ाई पुरानी होती है उतनी शिद्दत से होती है तो मैं तो कारोबारी हूँ you know? मैं मेरी मैडनेस का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता मेरे एग्रेशन का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मैं तो बहुत ज़िद्दी भी हूँ बाई नेचर के अगर मुझे कई दफ़ा मेरी किसी जगह सुई अटक जाए तो मैं दस रुपए के लिए एक लाख रुपए खर्च कर दूंगा तो मुझे कोई कहेगा मेरे वाले भी कहते हैं क्या बेवकूफ़ी दस रुपए के लिए एक लाख खर्च कर बट देन आई हैव टू सेटिस्फाई माई सेल्फ ठीक सो मुझे बीस साल भी इंतजार करना पड़ेगा मैं असल भी लूँगा नफ़ा भी लूँगा और सूद भी लूँगा मेरा तो कारोबार करने का बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है थोड़ा सा मुझे बताएं हाउ वॉज आपने जिक्र किया कि आपकी वालदा के साथ एक तो आपका रिलेशनशिप वॉज वेरी स्पेशल hmm. और उस वजह से आई थिंक ये पूरा जो जु, जुडिशल के ऊपर आपकी तनकीद कर रहे हैं और जनरली इट्स एक्चुअली ए फैक्ट वो नहीं कि आप कोई ज़्यादा hmm. वो कर रहे हैं हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद योर मदर एक्सट्रीमली क्लोज आई 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 बिकॉज़ एम ओनली सन मेरी बहन है Was equally close to me, but uh, I was very close to my mother, and I'm extremely close to my father also. So I'm a product of both. And how how did the the death sort of influence yeah, leke I think I'm more careful now in life. I think now that I'm more careful because mama is not around. I think I'm privileged. बाप मेरा ज़मीन पे दुआ दे रहा है मेरे लिए और मेरी माँ मेरे लिए आसमान पे दुआ करती है सो आई मे नॉट बी अ सेंट एंड आई एम नॉट अ सेंट बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन सो मेरी ट्रस्ट और फेथ लाइन बहुत स्ट्रॉग है शायद मौलानाओं से ज़्यादा है वो बट आई एम नॉट क्लेमिंग टू बी अ सेंट बिकॉज ऑनेस्टली ऑन अ लाइटर नोट यू नो वैन यू Uh, start talking about ex, you know, I have a lot of exes in my life uh, as compared to my wives, you know, uh, people don't talk about it. So I'm an ex-MNA, ex-Federal Minister, ex-Senator, ex-close person, personality to Khan Saab, ex-colleague, ex-second husband, ex-boyfriend, ex-friend. So I have a lot of exes mm. uh, in comparison to wives. So that's how it is, you know. What is the one thing which you really, means you about your mother? एवरी थिंग आई थिंक माँ का रिप्लेसमेंट दुनिया में कभी हो नहीं सकता ना कभी होगा बाप का भी नहीं है आ, लेकिन माँ का तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं बिकॉज जब आप डाउन होते हैं तो भी माँ हो खड़ी होती है और वो आपको मॉरली सपोर्ट करती है कुछ चीज़ें उनको पता भी नहीं होती लेकिन उनको वो फिर भी आपको सपोर्ट कर रही होती हैं उनकी दुआ से आप बहुत कुछ कर सकते मेरी लाइफ के अंदर तो बहुत हेड ऑन एक्सलेंस से मैं निकल आया हूँ बाहर

few years of college uh, from Karachi then i went abroad for my studies and came back और so, क्या पढ़ा आपने पढ़ा लिखा तो छोड़ दे सर तो जो जो, जो पढ़ा लिखा है <laughs> बस <आ>, शायद <laughs> आप इसको ये कह देंगे जो हम पढ़ सकते हैं वो लिख नहीं सकते okay. जो लिखते हैं वो पढ़ नहीं सकते वैसे किस चीज में डिग्री आपने की थी बिजनेस एंड फाइनेंस दूसरा ये कि अ स्पॉइल्ड अम द्रोस्ट कोना बिना सो बहुत ही party i don't drink uh, and i don't serve uh, that's because of my family the um, principal so yeah if i say that other than that i did not party i did uh, i'm not a saint mm. and uh,

Uh, more of an aggressive politician now um, but the uh, company started to grow up you know my hamari wale the limelight door. Uh, so i uh, did relatively good in life uh, so there, were, there was an announcement uh, by my company where one of the huge uh, announcements in karachi then सो so, उसी वक्त भी पॉलिटिकल लोग मेरे पीछे आ गए थे इन्होंने पैसे मुझसे मांगे एंड दिस ईयर इज अराउंड 2005 2006 के अंदर एंड एंड देन सर्टेन केसेस वर ऑन ऑन मी मी रजिस्टर्ड सो मैंने कहा था कि मैंने इस सिस्टम से बहुत कुछ सीखा है और अब इस सिस्टम में आके ये सीख गया हूँ मैं कि यू प्ले विद द सिस्टम विद इन द सिस्टम सो दैट्स आई द्ल्ट और लर्निंग भी सिस्टम ने दी है और यू से दैट यू प्ले विद द लॉ विद इन द लॉ यही हमने दे समझा है अब जाके पॉलिटिक्स के अंदर सो uh, so, वो मुझ पर आ गया है तो पहली दफ़ा मैं कोर्ट में पेयर हुआ एंड आई आज टू हायर क्रिमिनल लॉयर सो वी हायर द टॉप क्रिमिनल लॉयर दैन तो मैंने देखा चेंज में लोग बंदे हुए हैं यूं आ रहे हैं आ रहे हैं तो दैट्स हाउ आई दैसार्टिड टू लुक इन टू पॉलिटिक्स यू नो यू नीड टू डू समथिंग और uh, uh, मेरा जो सबसे सब सब जो uh, अच्छी चीज़ आप कह लें या बुरी चीज़ कह लें कि क्रिटिसिजम समथिंग आई एक्चुअली थाइफ

And how? What was that meeting? It was more of when I came out I don't know, so It was some kind of donation for uh, khanam. and we had a chat. And he said that you have that fire, you know. And I said, "Well, family, my family, politics is gully, you know, because I come from a very conservative family, but the fire is from my mother's side because she was a Punjabi. Uh, my father is from a very typical business uh, background, and you know, calm, low-key, with अच्छे ताल्लुक सो देइज एन आई एंड आई स्टार्टड अदर वस लॉर्ड ऑफ रेजिस्टेंस सो जब मैं कारोबार में भी आया तो खानदान वाले कहते थे कि बिगड़ा हुआ बेटा है uh, पढ़ाई में भी जब कहते थे तो उसमें भी थोड़ा बहुत बेहतर कर लिया था जब कारोबार में आया तो सब कहते थे कि बिगड़ा हुआ है इसकी हर चीज़ डिफरेंट है क्रिटिसिज्म uh, था तो मैं मुझे जब भी क्रिटिसिज्म होता है मुझे पता चल जाता है अल्लाह ताला से मुझे कामयाबी देने वाला है सो रेल रिप्ली आई डेड ओके ओ वेल पॉलिटिक्स में भी आया की बस की बस की बात नहीं है में, of, uh, 2010 के पस, नहीं मैंने ये सीख लिया था सो माय फर्स्ट प्लेस वे आई वाज रिकगनाइज पॉइंट जीरो जीरो पार्ट ऑफ अ पोलिटिकल रीना वॉज जब मैंने अलताफ़ हसैन को टेक ऑन किया सो so, अलताफ़ हुसैन को टेक ऑन करने के टाइम पे मेरी पार्टी मुझे नाइन जीरो में छोड़ के चली गई थी और मैं अकेला रह गया था सो आई हैड माई सिक्योरिटी एंड ऑल दैट बट आई हैड नो नो एज एज अदर ऑप्शन यू सच और उससे भी आप के साथ थे तो बेसिकली तो उस वक्त मैं बहुत लोअर uh, टेयर में था इनिशियल था बट uh, मुझे माइक इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी यहाँ से माइक जा रहे थे तो माइक मेरे पास आ गया जस्ट आप uh, कि मैं इसका ये करूंगा अलताफ का ये करूंगा अलताफ का ये करूँगा नाइन जीरो में खड़े होकर द होल पार्टी रैन एंड आई वॉज थक दिया तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी या चॉइस नहीं थी मैं भी भाग जाऊँ या वो बाई चॉइस ना होते हुए आपने कहा ठीक है सो दाय द माजन ये मैंने कारोबार में सीखा हाँ। था पॉलिटिक्स में भी सीखा है और आगे जिंदगी में भी देख रहा हूँ सो हैंग सेट वहाँ से उस पाक खान साहब को नजर आ गया था फिर खान साहब के साथ

उनके बेटे ने कहा कि जी वो वो जेके टी की बुलेट प्रूफ गाड़ी होती थी तो मैंने बाबू को कहा कि जी मुझे भी चाहिए उन्होंने तो वहीं से मंगवाई खान साहब को पसंद आ गई उसकी सीटें भी हीटिंग शीटिंग वो चीज़ें ज़रा स्पेशल थी तो उसके बाद मैं खान साहब के साथ ट्रैवल आई थिंक जो वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी ए टी एम मशीन्स जो थी खान साहब के आस पास देखिए मैं बड़ा ब्लंट आदमी हूँ देखिए अगर एन जहांगीर तरीन साउन ए टी एम और अलीम खान साहब इज एन एन सो If you are an ATM, prove it. Hmm. Like they say, you know, if you're driving a Ferrari or a, a Lambo and you say that, you turn around and say, you're a show off. So I always say, you have it, short. It. Hmm. I have it, I'm showing it. You have it, short. It. If you don't, don't crib, work hard for it. Hmm. <laughs> that's my line, that's my answer. So, these uh, traits, you to you have train. Karne wala मास्टर होता है आई वुड गिव दैट टू अच्छा ये सिमिलर क्वेश्चन शहबाज शरीफ इज वेल आई वाज लाइक ये जो मारूसी सियासत है मतलब हम लोग 80 से सुन रहे थे कि जी होगा ख़त्म हो जाएगा ये वो बिलावल से आल्सो आस्क द सेम क्वेश्चन के मतलब आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो ऑक्सफोर्ड कहाँ से पढ़ के आया हुआ है ये लोग भी पढ़े लिखे हैं किसी हद तक तो बट हमें डेमोक्रेसी नजर नहीं आती किसी भी पार्टी के अंदर और आपका नैरेटिव ये है जी जमूरियत और जमहूरियत और ये वो सारा बट दे हैव जो मुझे कुछ समझ भी आए दे शहबाज के मरीम बीबी ने देखें जाके कितनी कुर्बानियाँ दीं हमसा जेलो मेरा बिलावल सेट के ये कुर्बानी मैंने दी ये दी ये दी और अगर हम जब बीबी के बाद अगर हम किसी और को पार्टी का सरबराह बना देते सो डू यू थिंक के वो पार्टी खड़ी रहती है वो इस्टेबलिशमेंट से डील कर लेती वट्स द अदर मतलब अल्टरनेटिव दैन देखें पच्चीस करोड़ लोगों में आप ही मुझे कह रहे हैं कि ये तीन फैमिलीज़ या दो तीन फैमिलीज़ के अलावा इनकी औलाद के अलावा और आने वाली औलाद के अलावा कोई ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं तो ख़ुद इट सेल्फ एक मजाक है नंबर वन नंबर टू ये कि अगेन ये सियासत के अंदर एक तो मोरलिटी हमारे पास है नहीं बेहसी बेशर्मी और बेहियाई का नाम पाकिस्तान की सियासत है आ, ये एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं एक दूसरे के साथ हम न्यावला हम प्याला भी हैं फिर इलेक्शन के दौरान में मैं करते हैं और हमने कॉम को बड़े रीज़न और प्लान के तहत जहालत की तरफ़ धकेले रखा पिछले पचहत्तर साल में ताकि एजुकेट ना हो लोग और अच्छे और बुरे की तमीज़ ना कर सकें गाँव देहातों में आप जाएँ तो वो कहते हैं जी फलाने का वोट है फलाने का वोट है क्योंकि अच्छे बुरे की तमीज़ आपने पढ़ाई के थ्रू दी नहीं है उसी तरह आपने आ, हम कहते है तो हैं लिबरल सोसाइटी है, हमने औरत के हकूक हाईलाइट करके दिए ही नहीं है हमने अभी भी हम वही बांधी कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हैं जब चाहे हम किसी की अपर अटैक करते हैं तो हम औरत को ले आते हैं बीच के अंदर इमरान खान साहब की इद्दत वाली चीज़ एक घटिया और थर्ड क्लास फैसला आया उसने एक पोलराइज मजीद पोलराइज सोसाइटी को एक ऐसी जगह पर अंधेरे में धकेल दिया है जिसमें माइंड माई लैंगवेजना को हलाल और निकाह को हराम कर दिया है और उसका रिपोर्शन आया है लोगों के अंदर और आ, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैं आपके आगे अपना निका नामा रखता हूँ और मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में कौन उस निका नामे को बर्बाद करता है और मेरी चार दीवारी के अंदर कोई आएगा तो फिर मैं भी चाक चाक कर दूंगा व्हेन आई से दिस आई मीन इट क्योंकि देखिए मेरी मैं एक कारोबारी घर से हूँ अल्लाह इज बी वेरी वेरी काइंड जो अल्लाह ताला ने दिया है बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड के वेर एम कमिंग फ्राम आई डोंट हैव अ पोल्टिकल एगे मैं एक पोलिटिकल फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ आउट ऑफ ऑड्स मुझे खान साहब ने ट्रेनिंग दी वो सबक अलग बात है मैं मुझे उनका सबक याद है वो खुद भूल गए बट uh, कारोबार से मेरा इंटरनेशनल और नेशनल सफ़र होता है आई गेट कनेक्टेड बट अगर आप लें जरदारी कबीला ले लें ले ले, या चांडियोज़ ले लें ले, या आप क्लास ले लें या महज़ ले लें या मैंगल्स ले लें या जहरीज ले लें ले, या आप बुकटीज़ ले लें या संजरानीज ले लें ले, या इलाका गैर के आप ट्राइब्स के लोग ले लें सरदार दे आर माई पर्सनल फ्रेंड्स ठीक है एंड मेरा माइंड सैट भी शहरी होते हुए पढ़ा लिखा होते हुए एक ट्राइबल माइंड सैट है सो मुझे किसी ने कहा एक जगह के ऊपर कि हम वटेरे हम लैंड लॉर्ड्स हैं तो मैंने कहा हम भी लैंड लॉड्स हैं हमारी शहर में ज़मीन है तुम्हारी कई एकड़ की ज़मीन हमारी कुछ घस के बराबर होती है बट दैट्स द माइंड सेट आई बिलीव एन ठीक है इफ़ यू और लैंड लॉड आई एम ऑल्सो अ लैंड लॉर्ड आई एम जस्ट मार्किंग इट एट दिस टर्म कि मैं मैं भी तो जमीन का ही काम करता हूँ प्रॉपर्टी का ही काम करता हूँ कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ डेवलपमेंट का काम करता हूँ तो मैं आई एम नॉट लेस देन यू सो ये माइंड सेट तब आया जब एक नॉन पोलिटिकल फैमिली से लोग आए और ये इंट्रोडक्शन पी टी आई की ब्यूटी थी इसमें अनाड़ी थे इसमें जैसी खिलाड़ी आए पार्टी तबाह हो गई ठीक है और मेरे जब इसमें खिलाड़ी आए तो ये तबाह हो गए, आप गए। देखिए ना हम सब अनाड़ी थे नॉन पोलिटिकल फेसिस थे अपनी परफॉर्मेंस से आए थे यंगस्टर्स थे आ, हमारी पैदाइश ही इस पोलिटिकल पार्टी के अंदर हुई खान का एक करज्मा था एक स्टैचर था और बड़ी जबरदस्त पार्टी थी जिस जैसी इसके अंदर खिलाड़ी आए ये पार्टी तबाह होना शुरू हो गई फिर इसमें खास आ गए वो और तबाही पर ले गए फिर जिंदूत आ गए वो और तबाही पे ले गए जो मैं खान साहब को पंद्रह साल से जानता हूँ और लास्ट तीन साल से जानता हूँ वो दो दो, दो डिफरेंट खान हैं जो कल्ट है या जो प्यार है या पॉपुलैरिटी है पी की उसमें एक पॉइंट या एक परसेंटेज लोग नहीं रियलाइज़ करे किस लड़ ऑफ हेट इन टर्म्स ऑफ नून लीग वो हेट पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर के लिए भी लोगों का है जो डाइवर्ट हो गया एज पॉपुलर वोटिंग सिस्टम या वोटर्स बन गए हैं वो और फिर इस तरह के प्रेसिडेंट्स अगर सेट हो जाएँ कि आप किसी की चारदीवारी किसी के निका को और जना को हलाल और इस टाइप की बातें करें और इतनी इस हद तक ले जाए कि गिरा दें आप में इंसान को और फिर आपने एक और प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि, कि किसी डिवोसी औरत का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है कि कल उसका बेह बेशरम खामद एक्स हस्बैंड आ जाए और वो उस पर ब्लेम कर दे और आप काजी को जेल में ना डालें उसके एक्स हस्बैंड को ना डालें बजाय उस पर सवाल जवाब कर रहे हैं अंडर माइनिंग माई स्टेटमेंट के खातिन की भी उस हद तक गलती जरूर है कि वो अगर किसी के निकाम है तो बच्चों के नाम पर उसको किसके नाम का फेवर दे रही है एक्सलेंट को डिवर्स का मतलब ये नहीं इट शुड भी अगली इट शुड भी सिविल बट सिविल टू टू लिमिट ठीक है जहाँ आप लाइन्स uh, ना क्रॉस करें अगर किसी की एक्स वाइफ किसी की प्रेजेंट वाइफ है और वह प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर है या माशरे में उसको अल्लाह तला ने कोई मुकाम दिया है और इस किस्म का बेशरम बेह इंसान अगर हो जिसने जिसने अपनी एक्स वाइफ जो प्राइम मिनिस्टर की बीवी थी उससे बेनिफिट्स भी लिए हैं अल्टीमेट बेनिफिट्स लिए हूँ और फिर वो एक तरफ वो पाक औरत कह रहा है फिर उस औरत तो नापाक कह रहा है तो उस आदमी को तो कोड़े मारने चाहिए ठीक है क्योंकि मैं तो विटनेस हूँ कि उस बेहद आदमी ने कितने फ़ायदे लिए हैं हमारी गवर्नमेंट से जब मैं उस गवर्नमेंट का ख़ुद भी हिस्सा था सो और फिर उस औरत से भी सवाल होना चाहिए एक्सपाइस जैड वो कोई भी औरत हो चाहे वो मेरे घर की औरत क्यों ना हो कि भाई आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, है इसकी यार आप किसी की बीवी है आप अपने एक्स हस्बैंड को बच्चों की आड़ में कर रहे हैं फिर बच्चे भी बेशर्मी ये करेंगे माँ को यूज़ करके अब्यूज़ करके पैसे बना के आप मुल से बाहर चले गए हैं देर इज़ नो सिंगल स्टेटमेंट तो ये तो आपने एक डिवाइड पाकिस्तान के अंदर कर दिया है आ, औरत को आप बांदी की पोजीशन पे ले आए एक डिवोसी औरत की आपने सेल्फ इस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट क्वेश्चन कर दी है आपने आने वाले दिनों में उस एक्स हस्बैंड को और राइट दे दिया कि एक तो अगर वो आदमी की गलती है औरत की गलती है सपोजिटली एक आदमी की गलती एक शादी के अंदर मैं तो हमेशा मानता हूँ कि दो आदमी वो गलती होती है तो अगर वो गलती है तो वो उस गलती में उस औरत को मज़ीद तबाह कर देगा कि उसकी कहीं और शादी होगी तो वो उसको बसने नहीं देगा एंड देर आर गैंग्स ऑपरेट इस हमारे पे मिसालें हैं कि वी गॉट गैंग्स ऑपरेटिंग के एक्स वाइफ है वो आ, 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 कमरे के अंदर ही घर के अंदर वो किसी की वाइफ बन गई उसकी सेवरल शादियाँ हो गई हैं सेवरल डिवोसेज उसने कर ली हैं और एक्स हजब उसको मॉनिटर कर रहा है एज़ फैमिली लेके गैंग ऑपरेट कर रहे हैं और फेवर्स ले रहे हैं और बीच में क्वेश्चन ऑफ बफ़र जो है वो बच्चे बनाए हुए हैं बट वो बहुत कम परसेंटेज सो आई फील के देखें इस इस मुल्क के अंदर एक एजुकेशन और एक औरत के मुकाम को जब तक आप एलिवेट नहीं करेंगे uh, हम अपनी माँ की इज्जत करते हैं हम अपनी बहन की इज्जत करते हैं अपनी बेटी को तो प्यार करते हैं हम अपनी बीवी का उस डाइवर्जन के अंदर ख्याल नहीं रखते हैं ठीक है बट अगर आप ये सोच लेंगे किसी की बेटी है और ये भी मेरी बेटी है जब आप ये क्लब कर लेंगे तो थिंग्स बेटर आई टू गो बैक बेट आपने कहा कि पाकिस्तान में अगर तेईस करोड़ पच्चीस करोड़ लोग हैं तो उनमें क्या इस तरह के और लीडर्स नहीं हैं सो लेट्स टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आपने तो 10-20 सालों से बड़ा क्लोजली ज़रा डेमोक्रेसी को देखा है आपने बिजनेस भी किया है उस टाइम भी आपके कनेक्शन होंगे अभी भी जब हम लोग यंगस्टर से बात करते हैं अब तो हर बंदा एंड अगेन आई वॉस दिस क्वेश्चन टू एवरी ऑल द लीडर्स कि यार हर बंदा मिला हुआ है अभी बिलावल जितना मर्जी मेरी पॉडकास्ट में कहा वो शहबाज़ ये हैं और अंकल ये तो वो बट अभी बैठे हुए हैं सारे जोड़ जोड़ चल रहा है कि तुम ये ले लो वो ये ले लें अब अब और लोग सोशल मीडिया की वजह से बहुत एजुकेटेड हैं आप जाके लिटरली बाहर बंदा कोई कहीं भी बैठा हुआ है कोई थड़े पर भी बैठा हुआ है तो उसको भी पता है कि यार ये ना अंदर से मामला क्या है

दूसरे का नहीं देखते होते यार पाकिस्तानी कौम का देखने हैं ये वाद मुल्क है मुल जिसके अंदर मुर्दे का वोट डलता है उसकी काउंटिंग होती है mm. उसका फ़ैसला पाँच साल बाद आता है आ, इसी तरीके से जो कोर्ट्स हैं हमारी mm. जो अदल हमारा निज़ाम है सिवियर क्वेश्चन ठीक है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के अंदर ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसका एक मेजर रोल है सो ब्लेमिंग द्ट्टाब्लमेंट और दी फॉर देट मैटर इट्स वेरी ईजी बिकॉज आर्मी का हमें प्रॉब्लम यह पता कि वो पब्लिकली आके डिबेट करके अपने आप को राइट या रॉन्ग साबित नहीं कर सकते तो वी टेक एडवांटेज अनफॉर्चुनेटली हम नर्सरी उधर से ही आते हैं सारे पोलिटिकल जो लोग हैं जो मेनली स्ट्रीम लीडर्स हैं आज वो चाहे वो नवाज़ थे चाहे वो पीपल्स पार्टी थी या वो चाहे वो इमरान खान साहब थे वो इसी नर्सरी से सारे आए हैं ठीक है बट प्रॉब्लम इज़ कि हम जुडिशल सिस्टम को कभी डिस्कस नहीं करते उसको डिबेट नहीं करते यतीम बेवा घर से बाहर होते हैं किराएदार घर के अंदर होता है ये पहला मुल्क है जिसमें आप ऑफिशियल किराया कोर्ट में देते रहें और आपकी सर्वाइव बीस साल तीस साल तो चलती रहेगी रेप केसेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर जो रेप विक्टम है उससे रेप के बाद ऐसे सवाल किए जाते हैं कोर्ट्स के अंदर और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि उसका हर सेकंड रेप होता है मेंटल फिजिकल मॉरल उसकी फैमिली का रेप होता है और उसके बच्चों का रेप होता है अगर शादीशुदा शुदा अगर गैर शादीशुदा है तो उसकी फ्यूचर का रेप हो जाता है ठीक है ये हमने रियलाइज़ कभी नहीं किया हम नहीं सोचते कि ये मेरी बहन बेटी हो सकती है ये जो Uh, कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी जो फैसला करने वाला है उसकी बहन बेटी हो सकती है ये जो सवाल पूछने वाला है उसकी बहन बेटी हो सकती है तो ये प्रॉब्लम हमारी रहेगी और राइट का मसला है आई वॉन्ट टू गो बैक अगेन टू द पॉलिटिक्स डू यू थिंक मिया साहब डील करके आए थे पाकिस्तान वापस The क्योंकि क्योंकि इसका कॉन्टेक्स थोड़ा सा ये कि शहबाज साहब के साथ भी बी डि पॉट के हम लाहौर गए आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि कोई हल्ला गुल्ला होगा थोड़ा सा ना इलेक्शन हो रहे हैं कोई मेले का समा होता है थोड़ा बहुत मैंने बिलावल से भी पूछा मैंने कहा वॉट डी यू सेंग मतलब नहीं हो रहा कुछ यू आर इन इस्लामाबाद बिलावल सेट के मुझे नहीं पता डील हुई है नहीं अगर हुई है तो वेल एंड कोड नहीं भी हुई तो दे आर गिविंग परसेप्शन कि हमारी बात सेट हुई भी है एंड एंड मियाँ साहब का भी वही जब आई थिंक एक दो फॉरेन जर्नलिस्ट ने पूछा तो वो नहीं नहीं है आप क्या मखलूत गवर्नमेंट की बात ना करें ऐसी कोई जो भी आया है वो एक ही आया है डू यू थिंक कि मियाँ साहब वॉज एक्चुअली रेडी के आर नेक्स्ट पी एम मैं ही होंगे देखिए मियाँ साहब का जो इस बार का आखिरी इकतदार है सियासी तौर पर वाई डू से दैट बिकॉज आई एम वेरी श्योर अबाउट इट अल्लाह विलिंग Uh, मैं उसका बड़ी तो वैसे खान साहब भी कहते थे कि बस इसके बाद वो नहीं आएंगे वापस नहीं आने का तो प्रॉब्लम नहीं जब चाहे आप नौ को छः पढ़ लें और छः को नौ पढ़ लें दैट्स वेरी नॉर्मल आप सादे गन कर करके किसी को भी बाहर भेज दें किसी को भी आप लाइफ टाइम डिसकवालीफाई कर दें किसी को भी बार डिसीजन के बाद वापस अलाउ कर दें और फिर जाके आप उनके एयरपोर्ट पर जाके फैसिलिटेशन कर दें प्रॉब्लम यही है कि कि जेल और बेल आप देते हैं अगर आप किसी को जेल दे दें और कोई जीप में बिठा के ले जाए तो फिर तो हम उस जीप के आगे खड़े हो जाएंगे जब आप बेल देते हैं तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि भाई फलाना ताकतवर वह स्टेबलिशमेंट आगे पीछे खड़ी होगी वैन यू टेक द चार्ज एंड एक्सेप्ट इट एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो लाइक वाइज ये इद्दत का जो डिसीजन है वो किसी वजह नहीं दिया है अदालतों ने दिया है तो, तो अदालतें जब ये फैसला कर रही थी तो क्योंकि हमारे पास प्रोगेटिव है डिसीजनस जो आ जाए उसको डिस्कस करने का क्रिटिसाइज करने का बट आप मुझे बताएं कि कभी आपने किसी जज का सुना है कि उसकी वीलिंग डीलिंग की वजह से वो पकड़ा गया जेल चला गया कभी आपने उसके बच्चों की वीलिंग डीलिंग से उसने क्या किया है पकड़ा गया तो उसने रिज़ाइन कर दिया लेकिन फैजल भाई ये भी तो देखना ना काजी ईस्सा हैं मुझे मतलब मैं मुझे पता है जहाँ जहाँ से मुझे कॉल्स आई और मुझे लोग सबूत आके दिखाते थे कि जी देखें लंडन में ये प्रॉपर्टी है ये है इसको बाहर पब्लिश करवा दें इसको ये कर दें और आपने देखा है वो आके दोबारा आके बैठ गए पीडीएम की गवर्नमेंट एवरीवन नो के पीछे कोई भी मतलब दर इज़ नो एक्चुअल सतून है जिसके ऊपर खड़ी हुई थी देखिए मैं आपको साहब का आई डोंट नो हिम पर्सनली बट मैं आपको एक बात बताऊँ वो भी डिवाइन हेल्प से आएँ अल्लाह ताला उनको इंसानी रास्ता सारा रोक दिया गया था और हमारे एतबार भी रोका गया था तो यू आर नॉट डायरेक्टली अगेंस्ट हिम बट वी वर इनडायरेक्टली एग्जैक्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम एंड वो जो आ, खास आदमी है वो उसका बेसिकली है, मैच था आ, एक तो वो बड़ा ही बोल्ड और आदमी है उसके पास भी मैं नहीं समझता कि कोई स्केलेटन्स है नंबर टू प्रॉपर्टी अगर कोई पैसे वाले घर से आया है तो उसका प्रॉपर्टी हो सकती है एंड नाउ बट इज आउट अब मुझे आप बताया ना कि जी आप एफिडेविट लिखें जी आपके बच्चे कितने हम किसी से एफिडेविट लिखवा रहे हैं कि आपके बच्चे कितने hmm. क्यों इतने साल का गैप है जब हमें जाते हैं तो आप हम पे कैसे एफिडेविट लगा सकते हैं ठीक है इट्स अ फनी एफिडेविट यू नीड टू एक्चुअली डू अ शो ऑन दैट एफिडेविट इट्स अ फनी एफिडेविट ठीक है वो इसलिए बनाया गया है उसके आर्किटेक्ट भी ये सब लोग मिलते थे कि आप जब चाहे किसी पर तलवार लड़का दें किसी को फंसा दें दबा दे उसको बाहर न निकलने दें हैविंग सेड दैट अगर मैं आपको बता रहा हूँ एंड विद टाइम मैं आपके शो पे ऑन द रिक्ड एक बात बोल कर जा रहा हूँ मैं लाऊंगा अभी कि कौन कौन सिटीजनस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन पर बैठे हैं मेरा तो आप पूछ रहे हैं तो मैं मैंने अपनी सिटीजनशिप बॉन्ड सिटीजनशिप छोड़ी है मेरी औलाद के पास नहीं है मेरी माँ बाप के पास नहीं है मेरे बहन भाइयों के पास नहीं है ठीक है तो मैं तो फिर फिर पूरा पाकिस्तानी हूँ बिकॉज आई डिड वॉट एवर वॉज नीडेड फॉर पाकिस्तान और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आप चेक करवा लें तो मुझसे मेरा क्या सेक्रीफाइस बोल रहे हैं मुझे पाकिस्तान से इसलिए नहीं जाना कि वो मुझे पाकिस्तान ने दिया है मुझे कोई और मुल्क दे नहीं सकता ठीक है और फिर आप मुझसे पूछ देंगे जी मेरी ट्रैवलिंग कितनी हुई है भाई तो अगर मैं एक स्टैम भूल गया हूँ उस पासपोर्ट के अंदर आप मुझे डिस्कवालीफाई कर देंगे किस अथॉरिटी से आप मुझे डिस्कवालीफाई करेंगे किसने आपको मैंडेट दे दिया आई एम इलेक्टेड अगर मुझे पोलिटिकल वोटर्स के थ्रू में इलेक्ट होकर आया हूं आप कौन होते हैं ठीक है अगर मैं एफिडेविट के ऊपर एप्लीकेबल हूँ तो वो एफिडेविट आपके ऊपर क्यों नहीं एप्लीकेबल है ठीक है अगर आप मेरे से सवाल कर रहे हैं तो मैं आपसे सवाल करूंगा ठीक है या तो फिर आप इस्लामिक कानून बजाय हाथ के बदले हाथ आंख के बदले आंख नाक के बदले नाक मैं तो उसका बिलीवर हूं मे बी आई एम नॉट अ सेंट अगेन फट कुछ चीज़ों का मैं बड़ा बट द सिस्टम इज ब्रोकन लाइक सिस्टम इज कोलैप्स्ड नॉट ब्रोकन ब्रोकन को तो फिर जोड़ लेते हैं जो. ठीक है थीके? अब आप ये बंदरबान देख रहे हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव टाइम आ रहा है जिसमें आप कुछ महीनों सालों में जो इलेक्शन uh, देखेंगे उसमें सारे पुराने एक्सपायर्ड फेसेस जो हैं वो दे विल बी पॉलिटिकली बारिड फॉर लाइफ और फिर एक इलेक्शन होंगे जिसमें नए लोग आएंगे और किसी भी जगह के पर, अगर आप भी साहब अगर अपनी जगह के ऊपर 20 साल बैठ जाएंगे तो आपको बीस के लूपोल पर चल देंगे मीटर कैसे कम करना है बिजली का बिल कैसे कम करना है तो अगर स्पिन होता रहे जैसे फौज में निज़ाम है कि आप तीन साल के लिए दो साल के लिए कहीं आते हैं फिर तो आप उस जगह के एक्सपर्ट नहीं बनते इस सिस्टम को रॉटन करने में आपने वही सारे एक्सपर्ट्स पैंतीस चालीस साल से बिठाए हुए वही बराकसी उनके साथ आती है उन्होंने कुछ ऐसे चलते हुए लोगों को रख लिया होता है वो ओवर पीरियड टाइम बीस इक्कीस ग्रेड के ऊपर आए थे वो तो मुलाजिम होते हैं तो मुलाजमत है ये आपका सवाल है मियाँ साहब का कि मियाँ साहब तो एक्सलेंट प्रोडक्ट हैं इमरान खान साहब की क्योंकि जो वैनम सारी पोलिटिकल पार्टीज़ में उसको ट्रे में रख के थ्री टाइम्स रेड लाइन क्रॉस करके इमरान खान साहब ने काम किया उन्होंने भी ये काम क्यों किया खास और जिन बुतों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि हर बार जब इन पोलिटिकल पार्टीज़ ने ज़रा सा हैमर किया तो उनसे निगोशिएशन हो गई ठीक है फौज बाहर आई उन्होंने कहा बात करें इस बार जो मिस टाइमिंग हुई जो फौज की पूरी हैराखी आई है उनको आप खरीद नहीं सकते वो बिकाऊ माल नहीं था ठीक है तो उल्टी पड़ गई और फिर आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी आपने शहीदों के तमस्कर उड़ा दिए ठीक है अब अगर मेरी माँ तौर पे अल्लाह को प्यारी हुई है तब भी मुझे गुस्सा है ठीक है मुझे उस दो दिन का गुस्सा है ठीक है और मुझे मेरी माँ की आखिरी बात याद है उन उस दिन के तुम गए और मैं नहीं हुई तो फिर क्या होगा अगर आप ये सोच लें कि वैसा होता कि मैं जाता और आता और वो ना होती तो फिर आज मैं पॉलिटिशियन या बिजनस मैन नहीं होता मैं फिर कुछ और ही होता ठीक है और देखिए हमारे जैसे प्रॉब्लम ये है कि हम जिद्दी लोग हैं हमें अल्लाह ताला ने दो पैसे जेब में दिए हुए जो आपकी सारी ज़िंदगी कमाई है वो हम एक घंटे में पहुँच कर सकते हैं ठीक है अल्लाह ताला ने हमें ये ताकत दी है हमें सोचने की सलाहियत दी है हमारे पास कॉन्टैक्ट्स दिए हैं वो कहते हैं ना पढ़ा लिखा पढ़े लिखे की लड़ाई बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है बदल जाहल की ठीक है तो पढ़े लिखे की लड़ाई की तो फिर हमारे जैसे लोगों का तो रास्ता फिर कबायल के अंदर तक है hmm. तो मुल्क की दूसरे सरहद पार तक है ठीक है हमारा इन्फ्लुन्स तो फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं और वो इंटरनेशनल फर्म्स हैं मशकंस टाइप जो बादशाहों केस लड़ती है तो हमारे लिए तो दुनिया बहुत छोटी है इट्स ऑल ऑन ओवर द फ़ोन सो अल्लाह इज़ बीन अगेन वेरी नॉट ट्राइंग टू साम एरोट बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड के दिस इज द माइंड सेट वॉट वी हैव एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट माइंड सेट बट एट द सेम टाइम इज अ वेरी प्रोग्रेसिव माइंड सेट कि इस नौीय से आप करेंगे देखिए मैं वेरी हाई ऑन लाइफ आई से आप हाथियों के बीच में आते हैं टांगड़ आते हैं मुझे तो uh, बहुत सी नींद आती है आई लव इट ठीक है एंड बहुत क्रिटिजम होता है मुझे अच्छा एक और क्वेश्चन भी आता है कि आई वज थिंकिंग जब आप ये सारी बात जरदारी साहब की कर रहे थे बिलावल के साथ आई रेड पॉट गैस वेरी डिफरेंट बिलावल वो यू you नो know, मुझे मेरी पहली उनसे इंटरेक्शन थी जो एक अगेन नरेटिव है इस्टेबलिशमेंट ने अगर मियाँ साहब को वो लोग लेके आए हैं डील की है नहीं की है प्रामिस थे नहीं थे पीपल्स पार्टी के साथ क्यों नहीं उन लोगों ने डील की दे व्य बिलाल सम हाव जैसे आपने कहा कि मरीम uh, की सियासत इज़ वेरी एग्रेसिव वो uh,

थोड़ा सा बैलेंस भी आपने नहीं, वो है ना वो, वो, वो बैलेंस ओवर बैलेंसिंग साइड पर चला जा रहा है क्योंकि जो जिन चीज़ों के ऊपर कोर्टों ने स्टैंड लिया इस्टिशमेंट के खिलाफ या के हिसाब से नहीं दैट्स लीथल ठीक है बिकॉज अगर मैं फैज़ाबाद धरना केस ले लूँ तो एज अ ले मैन मैं ये कहूँगा कि आपने टेकअप किया है बिल्कुल ठीक टेकअप किया है आपका फ़र्ज बनता है और आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया एथिकली एंड मॉरली मैं आपके साथ हूँ एज ए आवाम लेकिन आपका बेस्ट जजमेंट ये होनी चाहिए कि इंस्टेट के उसको तारीख पर तारीख चलिए आप कहें जी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है ये ख़ास आदमी जो है ये एक ख़ास जगह का है मैं आपको पंद्रह दिन दे रहा हूँ मुझे बताएं ये मुजरिम है या मुज़िम है अगर ये मुजरिम है तो सजा दे के मुझे बताएं रिपोर्ट करेंगे क्या सजा दी है जो आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं थोड़ी कहूंगा कि मेरे सिक्योरिटी वालों को डाले में डालो उठा के ले जाओ मैं आप फैसला करूंगा मैं आपको कहूंगा कि आपके बंदे ने कैमरा मैन ने ये मिस्टेक की है जिससे मैं हर्ट हुआ या हुँ। मुझे तकलीफ हुई या फाइनेंशियल लॉस हुआ आप प्लीज़ इसको सॉर्ट आउट करके मुझे फ़ॉरन बताएं ठीक मैं ये थोड़ी कहूंगा कि मैं इनको उठा के डाले में ले जा रहा हूँ अब मैं फैसला करके आपको सुना दूंगा कि आपका मैनेजर या जनरल मैनेजर या डायरेक्टर जो है वो सही है गलत है नो इट इज़ वर्क लाइक दैट जुडिशल सिस्टम के अंदर वो खराबी है आप फैसला करेंगे ठीक है सिविलियंस का मैटर आप फैसला करेंगे अब नौ नाइन्थ मे का जो वाक्य है उसमें अटैक हुआ है आर्मी इंसेश के ऊपर शोदा के ऊपर अगर उसका ट्रायल वहां वो कर लें तो दोनों की पैरामीटर्स सेम ही है अगर उसमें आप समझते हैं कि कोई नाजायज हो गया तो आपके पास तो वो राइट है टू इंटरवीन बट क्योंकि आपने डिले कर दिया पूरे प्रोसेस को छ आठ महीने साल से लोग अंदर हैं ठीक है उनका टेस्ट ट्रायल होकर सजा जजा हो जानी चाहिए थी अब देखे देखें ना एक ने आग लगाई है और एक ने नारा लगाया है तो दोनों की सजा बराबर तो नहीं हो सकती तो नारे वाले को आप एक साइड पे करें जलाने वाले को आप एक साइड पे करें जलाने वाले ने फौज की तनसीबात उड़ाई थी आप फौज गए हैं जी एहतसाब करके मुझे बता दें इसने नारा लगाया था बलबे में मैंने नारा लगाया था मेरे सिविल इन ट्रायल लोगे ठीक है, so, इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत तो नहीं है ठीक है? लेकिन आप ये भी देखें ना जैसे कागजात जब लोग जमा करवा रहे थे तो वहाँ लोग कागजात छीने जा रहे थे सारा कुछ है, तो आपने की से कोई नहीं देखा वाले साहब का पता ही नहीं है जोक मतलब ना तो एक... मैं अब आप आपसे सवाल कर लूँगा जो आपने मुझसे थोड़ी देर पहले कहा था आप इतने क्यों अपसेट हैं और नाराज है जुडिशल अगर आप अपने अदालती निज़ाम को ठीक कर लेंगे ठीक है आप वन फोर्टी नाइन पर खड़े हैं आप वन फोर्टी पर भी आने की तैयारी नहीं कर एवरी थ्री मंथ्स आप वन फिफ्टी वन पर चले जाएंगे तो अगर अगर इसके आपके डायरेक्शन इंडिकेटर्स में और आप बन रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट, आप इसका हल निकाल लें ना हम तो कह रहे हैं कौन आपको अंदर भी चढ़ाएगी ठीक है ठीक yeah. है आपने यू uh, राइट्स देखे थे

इतना जो फरसूदा निजाम है अठारहवीं सदी का हमारी अदालतों में कि वो आके डेमोक्रेटिकली चेंज हो जाएगा आई डोंट वॉन्ट्रोमाइज सर अगर मैं एक कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिशियन हूं तो मैं क्या करूंगा 99 तो नहीं। आपके पास ही है इज आपको पच्चीस करोड़ लोगों में छह सौ आदमी नहीं मिल सकते पाकिस्तान चलाने के लिए अच्छा चले मैं कहता हूं आप ये भी छोड़ दें आपने कसम खा ली है कि इन्हीं पोलिटिकल पार्टीज को चलाना है इन पोलिटिकल पार्टीज में भी अच्छे लोग हैं नहीं मैं आपकी बात से हंड्रेड परसेंट एग्री कि आप एक सिस्टम को नया लाएं आई डोंट वांट टू नेम कि वो टेक्नोक्रेट हो वो कोई भी हो अगर आपने लेट्स से कि इमेज बिल्डिंग करनी है पाकिस्तान की ग्लोबली तो वो ऐसा बंदा हो ना जिसको काम आता है अगर आपने इकोनॉमी को सही करना है आपकी भी गवर्नमेंट आएगी आपका एक वजी रेलवे का जो है वो अगले दिन जाकर डिफेंस मिनिस्टर होगा डिफेंस मिनिस्टर वाला जो है वो अगले दिन देखिए फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो एक बीस पच्चीस तीस साल में ऊपर आता है दुनिया के अंदर आपका फाइनेंस सेक्रेटरी जो है एक्चुअली सेक्रेटरी मिनिस्ट्री चलाते है तो फाइनेंस मिनिस्टर आप टॉप मोस्ट पाकिस्त दुनिया से हायर करें उसको टॉप मोस्ट सैलरी दें वो आपकी बैक है ठीक है फॉर दैट मैटर मेरे तो मैंटोर रह चुके हैं बिजनेस मैंटोर सुल्तान अल साहब चेयरमैन हबी बैंक हैं पैरिस क्लब कहलाता है hmm. um, uh, कह उनका राइट हैंड मैन टू प्रिंसिम खान साहब के आप उनकी हिज ऑलवेज देयर टू सर्व पाकिस्तान आप ऐसे नाम क्यों ढूंढ कितना मुश्किल है ढूंढना yeah. क्या जी वो ड्यूल नेशनल है तो ठीक है जी आप उनको एस ए पी एम पोर्टफोलियो फेडरल मिनिस्टर लगा दो hmm. ठीक है बट यूटिलाइज हिम उनके तो पूरी दुनिया के जो बैंकर्स हैं वो अब किस उनके स्पीड डाइल hmm. के ऊपर हैं वाई कॉन्ट यू हैव द बेस्ट लॉयर्स ठीक है वाई कॉन्ट यू हैव अ पेड फाइनेंस सेक्रेटरी ये कैसे होता है कि जो पी आई ए चला रहा था वो फाइनेंस भी चला लेगा ठीक है सो दिसम ना इसी तरह कोठों का मैं कहता हूँ कि अगर जुडिशरी को पी आई भी चलाना आता है स्टील मिल भी आता है रेकोटेक भी आता है भुट्टो को भी आता है नवाज को भी आता है इमरान खान को भी आता है निकाह का भी आता है लाइट का भी आता है सब कुछ आपको आता है आप चला लें सब कुछ आपको नहीं होता हर इंसान को सब कुछ नहीं होता जो पानी पिलाने वाले को अल्लाह तला ने दी है चीज वो मुझे और आपको नहीं शायद बट मुझे ये बताया ना कि ये कैसे होगा लाइक टॉक टू मी एक तो अभी तो हम आइडिया की बात करें ना लाइक वट इज लाइक हाउ इज इट गोइंग टू वर्क आउट देखिए जब आप मतलब हम लोग क्रिटिसिज्म सारे करते हैं जो आप बात कर रहे हैं सारों ने वहां लग जाना है इन लोगों ने गवर्नमेंट बना लेनी है अगले पांच साल भी क्योंकि आपने सब आदमियों को पेट से लगाया जब बच्चा बिल बिलता है उनका दूध के लिए कहते हैं छोड़ो पॉलिटिक्स छोड़ो बच्चे को दूध पिलाओ ठीक है बिजली का बिल इतना कर दिया कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता तालीम आपने दी नहीं है बच्चे उनके नंगे पैर हैं करंट से वो मर रहे हैं गटर के ढक्का ना होने की वजह से मर रहे हैं आप आम आदमी की प्रॉब्लम्स को देखें आम आदमी की प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम थोड़ी जो आपकी प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो घर आता है मियाँ पच्चीस कमा के बीवी कहती है स्कूल वाले आए थे स्कूल से निकाल दो बच्चे को चप्पल नहीं बहुत चप्पल के बगैर रख लो खाने को पानी वाली दाल है रोटी की कीमत ऐसी होगी कि वो आधी रोटी पूरा घर खाएगा And they don't care के कोई भी ठीक है माँ बाप अगर हैं तो उसके लिए हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है सोशल सिक्योरिटी नहीं है कोई ठीक है इन सब चीज़ों को एड्रेस करेगा आज भी आप ये कर रहे हैं वो वफाक में नहीं आ रहे वो सूबे में आ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन दे रहे हैं वो फिलहाल पचौबीस बिलियन डॉलर आपने जून में देना है ठीक है आई को री करके रीप्लान करना है करंट अकाउंट डेफिसिट को देखना है गुर्बत को देखना है महंगाई को देखना है अनएम्प्लॉयमेंट को देखना है रोजगार लेना है ये कौन करेगा ये कहाँ से होगा हमारी वरी ये होनी चाहिए कि जी अगले चौबीस घंटे में जैसी भी एलूड़ी लंगड़ी जो भी टूटी फूटी हुकूमत है निकाल के इस काम के पीछे लगे अब आप कहते हैं कि जी मेरा बाप पचपन साल से गाड़ी चलाते हैं आप उनको कहेंगे वो मेरी फरारी स्टार्ट कर दें या मेरी मशीन स्टार्ट कर दें ही कांड डू इट ही ही इज एन एक्सपीरियंस मैन मैं उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकता हूँ बट वो गाड़ी नहीं चला सकते जो आज मेरे बच्चे फ़ोन चलाते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं या पैड्स चलाते हैं आई पैड्स मैं तो नहीं चला सकता आई एम नॉट दैट है सो आपको अब आप इरफान सदीकी साहब जो है बयासी तिरासी साल के आदमी है वो सोलह साल या अठारह साल के बच्चे का फ्यूचर लिखने बैठ गए इट्स इट्स नॉन स्टार्टर ठीक है नवाज शरीफ साहब पोते पोतियों से खेले तस्वीर पढ़े अपने एक्सपीरियंस दे नहीं तो वही वाला आप, नहीं। आप आप, आप बुजार टू दे सीएम पंजाब तो भाई बता दे सीएम पंजाब अपनी बेटी को बुजार टू हम हमें बुजार भी बर्दाश्त बुजार टू भी बर्दाश्त कर लेंगे बट इस सिचुएशन और इश्यूज को तो एड्रेस करें ठीक है अभी आपके यहाँ सबसे बड़ा मुल्क का मसला एजुकेशन है सबसे बड़ा मुसका हस्प, हस्पताल है सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री होते हुए पाकिस्तान में मुसलमान कहलाने देखें हमारे वहाँ सबसे बड़े मुसलमान जो है ना वो पाकिस्तान में और सबसे ज़्यादा इस्लाम जो है ना वो बरूद पाकिस्तान है यू एक्चुअली सी ब्रिटेन लंडन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया उधर आपको एक्चुअल मजहब बच्चों में नजर आएगा हम मुसलमान सबसे बड़े हैं हमने पहला पहला ही सबसे बड़ी अपने आप को गोली मार दी है कि औरत को हम उस मुकाम पर ले गए कि हम पाँच चालीस साल और पीछे ले गए उस औरत को ठीक है वो औरत हमारे पास माँ के रूप में बेटी के रूप में बहन के रूप में बीवी बीवी के रूप में so bring her बैक टू हर पोजिशन ठीक है कि आपने तो औरत के हकूक तो बहुत छोड़ की बात ये बताया ना कि सॉल्यूशन फॉर दिस आप लोग हैं सर अब मेरे तो बारे बारे जो लोग प्रेशर कर, कर, कर रहे हैं तो हम प्रेशर कर रहे हैं वोटर्स टर्न आउट होगा ये जो 48 परसेंट है 42 परसेंट है ये 62 पे जाएगा 68 पे जाएगा आप कहोगे मैं नए चेहरे नहीं, नहीं लू मैं पुराने चेहरे नहीं लेता मैं नहीं वोट करूंगा नए चेहरे आएंगे फोर्स्थ सिलेक्शन फ्रॉम इलेक्शन होगी नॉट कि कोई और सेलेक्ट करेगा इसको देखिए स्टेब्लिशमेंट को भी आप अगर इस डिबेट को आगे ले जाए तो उसको स्पेस किसने दिए जुडिशरी ने खड़े तो होना अपनी जगह के, आपको लगता है कि के आपके पाकिस्तान का बेसिक प्रॉब्लम सजा और जजा का निज़ाम है दिस इज द बेसिक प्राइमरी प्रॉब्लम ठीक है इसमें बहुत अच्छे लोग भी होंगे ठीक है लेकिन पोलराइज होगी ये जगह भी ठीक है आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ले लें और आप अच्छे फैसले कर दें पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी ठीक है आप क्या समझते हैं सादे कमीन के सर्टिफिकेट देने वालों ने सादे कमीन लाए और सादे कमीन तरीके से आए आर वी टॉकिंग आप आइन और कानून की बात करते हैं वहां खून मारा गया पंजाब में और केपी में इलेक्शन ना करा गया। आपने किसको दी आपने एक लैंड क्रूजर से एक पुलिस वाला मरते हुए वीडियो देखी उसको बाजत बरी कर दी नूर मुकदम का मिया जो है या जो भी था उसका जिसने कत्ल किया वह तो आज तक जिंदा है उसको आप दस दफा जबानी तौर दौर फांसी दे देते मेरिट का है वो जो बच्ची रेप हुई है उसका आपने कहा कि वो बच्ची को रेप करके जानवर की तरह सड़क पर फेंक दिया उसकी वीडियो आ गई आपने क्या किया ये बच्चे मेरे और आपके किसी और के भी हो सकते हैं जिस दिन हम ये रियलाइज़ कर लेंगे हम एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे और ये रिजनमेंट है ना कहते हैं रिजेंटमेंट आपको और मुझे भी हो रही है निज़ाम से तो जिसके साथ जिस जो गुजर रहा है इस चीज़ से उसकी रिजेंटमेंट और उसका लावा आपको अंदाज़ा नहीं है मैं डरे उस टाइम से वो जो सैंतीस हज़ार बच्चा और रेकगनाइज यूनिवर्सिटी निकल रहा है उनके बारे में सोचें दिस इज आई एम टॉकिंग टॉक रेकगनाइज यूनिवर्सिटीज़ अनरेकग्नाइज है तो कई हज़ारों की तादाद में आ मल्टीप्लाई बाय टेन हो जाएगा डॉक्टर्स हैं उनको मेडिकल करने का कोई नौकरी नहीं उनकी ठीक है वो कई ऑपरेटर लगा हुआ है ठीक है मैं जब वजारत में था तो मुझे जो सर्व करने आया खाना आ, किसी डैम के ऊपर तो अंग्रेजी बोल रहा था तो अंग्रेजी मैं बोल रहा था मैंने उसे कहा कि तुम पढ़े क्यों हो सकता हाँ मैं क्या किया हो सकता बैचलर्स किया हुआ तो मैंने कहा ये कौन से ग्रेड की नौकरी देगा छः से छः ग्रेड मैंने कहा तुमने नौकरी की मिली कहने कहा एक तो इस नौकरी में बेनिफिट बहुत है और दूसरा नौकरियाँ हैं नहीं तो मैंने यहाँ मीटर का काम ले ली तो मैंने कहा इसको हटा दो इसको यहाँ से हटा दो इसको किसी जगह पे पोजीशन पर रख दो ठीक है जब रिटायर होगा उसका घर ले लेंगे ठीक है तीन तीन लाख रुपए ड्राइवर्स की सैलरी है फ्यूल कार्ड्स हैं उनके पास कोई कुछ कुछ नहीं है एक लाख बीस हज़ार रुपये का झंडा लगाने का स्टैंड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खाते में वो बाज़ार में बीस हज़ार रुपये का स्टैंड है जो फ्लैग रॉड रखता है मिनिस्टर की गाड़ी में वो अस्सी हज़ार रुपये का उसकी एक्चुअल कीमत साढ़े छः हज़ार रुपये हमें इसलिए पता ही सब चीज़ें क्योंकि हमारी अपनी ज़ाती गाड़ियाँ थी अपनी फै फ्लैग रॉड्स लगे हुए थे तो आप कंपनी से इन्वॉइस कमा लेते थे कितने का जो लगा है जब अस्सी हज़ार का लगा तो मैं भी हिल गया मैंने अपनी कंपनी से पूछा कि भाई तुमने मेरी गाड़ियाँ भेजी नहीं कराची से उसमें फ्लैग रॉड कितने का जी साढ़े छः का और दूसरा वाला साढ़े आठ हज़ार का साढ़े आठ हजार और अस्सी हज़ार में मैंने बुला लिया उनको वर्कशॉप वालों को उन्होंने कहा जी करोड़ों रुपये का मेरा बिल है पहले तो आठ घंटे मैंने दफ्तर के बाहर बैठा ही रखा उसका मैंने उसके बाद भाई सीधा सीधा ये बिल है बताओ कि छोड़ोगे इतने उसने मुझे कहा कि सर प्रॉब्लम ये है कि मैंने तो साढ़े आठ के साढ़े दस लिए हैं बीस परसेंट तीस परसेंट आ गए लेकिन मैंने प्रक्यूमेंट वाले को दिए हैं ड्राइवर को दिए हैं वर्कशॉप वाले को दिए हैं जनरल मैनेजर को दिए हैं वज़ीर के पी को दिए हैं पी को दिए हैं फलाने फाइनेंस डिपार्टमेंट में दिए तो इसलिए अस्सी का बन गया तो फ्लैग रॉड जो आपके पीछे लगे हुए होते हैं वजीरों के झंडे वही फिलहाल बीस हज़ार रुपये एक झंडा है उसकी एक्चुअल कीमत बाजार के अंदर वो जो, जो स्टैंड है वो बीस हज़ार रुपये एक लाख बीस और बीस ठीक है तो अगर आप यहाँ तक मुल्क को तबाही की तरफ ले गए ठीक है पचास लीटर गाड़ी में डलाया पचास लीटर ड्राइवर ने विजय में डालिए आप मिनि मेरी मैं अपने वक्त की बात कर कैबिनेट की एक दफ़ा गाड़ी हूँ हम मिनिस्ट्री के अंदर कैबिनेट मीटिंग में गए तो गाड़ियाँ क्रैम्प्ड थी तो मैं अपनी गाड़ी के लिए ज़रा जल्दी जल्दी चल के निकल रहा था तो मैंने एक गाड़ी पर हाथ रखा दूसरी गाड़ी पर हाथ रखा हाथ रखे आप निकल सारी गाड़ियाँ ठंडी थी बर्फ थी ठीक है मैंने प्राइम मिनिस्टर को जाए कहा तो मैंने कहा सर चार घंटे ये मीटिंग चली चार घंटे सारे ड्राइवरों ने ए चलाया जिस मुल्क के अंदर ये क्राइटेरिया हो उस तो मुल्क के अंदर आप क्या कर सकते आप इस्लामाबाद आए हुए हैं आई एम श्योर आप पिंडी भी गए होंगे वहाँ भी कोई मुलाकात होगी हुई होगी आपकी वट आर दे थिंकिंग देखें पिंडी तो देखें, मैं रियलाइज किया कितना मसला चल रहा है देखिए मैं इस्लामाबाद आया हूँ मैं पिंडी में शाहजी की दाल खाने जाता हूँ ओके okay. <laughs> और मैं मरी भी जाता हूँ और मैं लाहौर भी जाता हूँ और मैं कराची भी जाता हूँ लेकिन मैं आपको बाए लाजिए बता सकता हूँ कि पाकिस्तान का आ आने वाला फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है हम इस पेंड करते हैं कि पाकिस्तान प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव ग्रोइंग पाकिस्तान होगा और ये कब तक हम देख सकेंगे आप ये एटलीस्ट शुरुआत कहाँ से शुरुआत हुझे? तो हो गई है आपकी आ, गो नवाज़ गो से जो उनका हाल हुआ है तो और धागे से पतली जो हुकूमत बनेगी वो जीती तौर पर डिवाइन हेल्प आ गई अगर ये बन भी जाती है आपको कितना अर्सा लग रहा है चल जाएगी डिवाइन हेल्प आई डिवाइन हेल्प माइनस अगर नवाशरी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो डेढ़ दो साल सवा दो साल मैक्स अगर ब्रदर वज़ी साहब आ गए नवाज शरीफ साहब तो मेरे बेटी को सीएम नहीं देख रहा उस कॉन्टेशन के अंदर पाँच महीने छः महीने मे बी बिफोर और आप भी आ रहे हैं कहीं आपको भी कोई

and selective about yourself, so uh, I think you need to wait for the right time. But yes, I, I'm serving, still serving, and I'm enjoying. Um, um, uh, I think uh, I'm enjoying more than my ministry. I find myself uh, more progressive. Faisal Bay, thank you so much for God your God. time. I, you. there, there's a lot to talk about, but probably in your next uh, visit to Islamabad or in Karachi, inshallah. Definitely. Definitely. Thank, Definitely. You so thank, you. thank you so much. Thank you. Thank you